इंट्रोडक्शन लेक्चर जो आप लोगों का मिस हुआ है वी विल डू इट लेटर, ठीक है, अगर पॉसिबल होगा तो आज ही कर लेंगे, ठीक है, इनको देखते हैं कितना इनकी कैपेसिटी आज बेयर करने की। आज का जो टारगेट है अपना वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आज मैं आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले। सो दैट्स द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज लेक्चर कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें कंटेंट क्या है। मेरे बॉस ने मुझे एक दिन समझाया था कि राम इंडेक्स बाय हार्ट होना बहुत जरूरी है, तो आज का हमारा टारगेट है कि आपके सब्जेक्ट की इंडेक्स आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। इंडेक्स समझते हो ना, कौन से चैप्टर्स हमारे पास है। खाली हमारा टारगेट वही है, दो पेज की इंडेक्स होती है, ठीक है, हम हमारे हाथ से लिखेंगे इंडेक्स और हमारा इंडेक्स हम बाय हार्ट करेंगे। इट्स नॉट योर बुक या मॉड्यूल का स्टडी मटेरियल का इंडेक्स, जो इनकम टैक्स का इंडेक्स है, जैसे इनकम टैक्स होता है वैसे हम बाय हार्ट करेंगे, उसमें के कुछ चैप्टर्स आपके यहाँ पे सिक्वेंसली आ जाएंगे। का टारगेट है हमारा, वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली एंड ओनली इंडेक्स, ठीक है, क्या पढ़ना है, क्योंकि आज का लेक्चर क्वाइट हेवी होगा आपका। और बहुत सारे लोगों को लगा सर ने आज इतना सारा बोला कैसे याद रखेंगे, बेटा कैसे याद रखेंगे उसका टेंशन ही मत ले, क्योंकि वही हमें पढ़ना है पूरा 100 घंटा 100 आवर्स कमिंग फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो आज खाली इंट्रोडक्शन है कि आगे 100 आवर्स में क्या पढ़ने वाले, उसका 3 घंटे का एक समरी आपको बताने वाला हूं मैं, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले तो जिनको जिनका हुआ है अपना बैकग्राउंड, तो उनसे पहले बात कर लेता हूं, क्या इनकम टैक्स लीगली वैलिड है इंडिया में? कैन गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम अर्न बाय पर्सन? क्या कंपलसरी है या ऑप्शनल है? इनकम टैक्स भरना कंपलसरी या ऑप्शनल है? कंपलसरी है सर, इनकम कमाना ऑप्शनल है, राइट? तो इनकम जिसने नहीं कमाया उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जिसने कमा लिया इनकम उसको टैक्स भरना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है, हमें भरना ही पड़ता है। अच्छा, टैक्स हम एनुअली भरते हैं या क्वार्टरली या मंथली या डेली? मतलब अभी मैंने पैसे कमाया, क्या बाहर एओ खड़ा है इनकम टैक्स ऑफिसर कि सर जैसे पैसे कमाए बाहर आते आपको टैक्स भरना है, क्या इतना रियल टाइम बेसिस पे लेते हैं? अच्छा, क्या करंट मंथ का नेक्स्ट मंथ में लेने वाले हैं? क्या करंट क्वार्टर का नेक्स्ट क्वार्टर में लेने वाले हैं? नहीं, करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में भरना होता है, इसलिए करंट ईयर को इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर बोला जाता है, और जिस ईयर में हमारा असेसमेंट होता है उसमें असेसमेंट ईयर बोला जाता है। तो देयर आर टू फाइनेंशियल ईयर्स इन्वॉल्वड इन माय इनकम टैक्स, ठीक है। एक जो फाइनेंशियल ईयर अभी अभी खत्म हुआ है, मुझे बताओ कौन सा फाइनेंशियल ईयर अभी अभी एंड हुआ है? 16-17, बिकॉज वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016 पे, एंड होता है 31 मार्च 2017 पे। 16-17 का जो प्रीवियस ईयर था, मतलब उस पूरे साल में मैंने जो पैसे कमाए हुए हैं उसका असेसमेंट 17-18 में चलता है। Am I clear? या 16-17 का जो इनकम है उसका असेसमेंट कब चलता है? 17-18 में चलता है, और अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चालू है इसका असेसमेंट कब होगा? 18-19। Am I clear? ठीक है, तो तुम लोग कौन सी फाइनेंशियल ईयर के लिए पढ़ रहे हो? 17-18 जो करंट है, ठीक है। जब तुम्हारा एग्जाम आएगा जून 18, राइट, या नवंबर 18, उस एग्जाम के पहले अपना ईयर खत्म हो गया रहेगा, पूरा पैसा कमा के हो गया होगा, उस टाइम पे जो असेसमेंट चालू होगा वो असेसमेंट हमारे सिलेबस में है। तो आपका प्रीवियस ईयर क्लियर है माइंड में, कौन से प्रीवियस ईयर के लिए हम पढ़ रहे हैं? 17-18, और कौन सा असेसमेंट ईयर है हमारा? 18-19। ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको, ग्रॉस की बता रहा हूं, डिटेल में हम बात करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स में ईयरली असेसमेंट होता है इतना समझो, ठीक है, साल साल भर की बात होती है। सर क्या ईयर एंड में अपने मर्जी से ले सकता हूं? अपने मर्जी से, मतलब मेरा जून एंडिंग करना है सर मुझे, अपने अकाउंट्स में पड़ा होगा ना, कुछ फाइनल अकाउंट्स की प्रॉब्लम आते हैं, दिसंबर एंडिंग के आते हैं, जून एंडिंग के आते हैं, क्या वैसे आप यहां पे कर सकते हो जून एंडिंग दिसंबर एंडिंग 12 महीने का हिसाब, लेकिन जून एंडिंग दिसंबर एंडिंग तो नहीं। इनकम टैक्स लॉ है, अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स तो आप अपनी मर्जी से बनाते हो, अपने हिसाब के लिए बनाते हो, इनकम टैक्स में आपका हिसाब नहीं चलेगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, हमने हमारी मर्जी से सेक्शन लिखे हुए हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो इट बिकॉज दिस इज द लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मतलब लॉ, और लॉ में जो लिखा है उसमें हम मैनिपुलेट या डाइल्यूशन नहीं कर सकते, जो लिखा है वो फॉलो करना होता है थ्योरेटिकली, तो प्रैक्टिकली कुछ लोग नहीं करते वो अलग बात है, बट थ्योरेटिकली हमें क्या पढ़ना है, जो लॉ में लिखा हुआ है वही हमें फॉलो करना होता है, राइट? इतना क्लियर है। इनकम टैक्स लीगली वैलिड है, तो अगर मैं मुंबई में पैसे कमा रहा हूं तो कौन सी गवर्नमेंट मुझसे टैक्स लेगी? तो मुंबई में कमा रहा तो बीएमसी भी टैक्स ले सकती थी, अपनी म्यूनसिपालिटी। महाराष्ट्र में मुंबई आता है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी टैक्स ले सकती थी, और क्योंकि इंडिया का पार्ट है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हमारी टैक्स ले सकती थी। तो मैं मुंबई में, इसका ये भी मतलब है कि मैं मुंबई में भी हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी हूँ, और मैं इंडिया में भी हूँ, और मैं पैसे तो यहाँ पे कमा रहा हूँ जोगेश्वरी में, तो हु शुड कलेक्ट टैक्सेस? तो इसकी बात हमारी हुई थी, इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर जो है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड एट टू लेवल, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। और दो गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑल टुगेदर, सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेट्स, राइट। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग से कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है, सेम ज्यूरिडिक्शन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की रूल अप्लीकेबल होते हैं, मतलब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के भी रूल अप्लीकेबल होंगे और सेंट्रल के भी अप्लीकेबल, क्योंकि सेंट्रल का ही एक पार्ट है और महाराष्ट्र तो हमारा ही, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हमारे लिए लॉ बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे लिए लॉ बनाएगा, दोनों लॉ हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो दोनों गवर्नमेंट का फाइट ना चालू हो जाए, राइट। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट सेग्रीगेशन किया गया है कि कौन सा गवर्नमेंट कौन से लॉ बनाएगा और किसे पावर दी गई है उसके हिसाब से, ठीक है। मेरा जो इनकम टैक्स एक्ट हम पढ़ने वाले है वो लिखा कहां है बेटा, तुम लोगों को पता है कहां लिखा है? हम कब सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं, कौन से एंट्री में लिखा है? एंट्री नंबर 82, कौन सा लिस्ट? यूनियन लिस्ट, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट बोला तो लिस्ट वन होता है, ठीक है, कौन से शेड्यूल का? सेवेंथ शेड्यूल का होता है, ठीक है, सेवेंथ शेड्यूल, और आर्टिकल हमारा है 246। ये हमारा एड्रेस है, इसके हिसाब से एंट्री नंबर, क्योंकि यूनियन लिस्ट में गया है और यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू इनैक्ट टैक्स लॉज इन इंडिया, टैक्स लॉज ऑन इनकम इन इंडिया, एम आई क्लियर? एक्सक्लूसिव पावर दिए गए, एक्सक्लूसिव पावर को वर्ड समझते हो, एक्सक्लूसिव, कल की बात की थी हमारी, एक्सक्लूसिव मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, उनको जो बनाना है टैक्स का रेट वो बना सकते हैं, आज टैक्स का रेट 30 तक का है, कल उनको 90 बनाना है, दे कैन डू इट। हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट फडणवीस अंकल कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उनको कोई पावर नहीं दिया गया, पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सक्लूसिव पावर, एक्सक्लूसिव पावर मतलब पूरा 100% उनके पास है, हम कुछ उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम सेंट्रल लेवल की लॉ पढ़ते हैं। अब हम सेंट्रल लेवल के लॉ क्यों पढ़ते हैं आपको पता होगा, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वो पैन इंडिया सेम होता है, सेम पेपर होता है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई लॉ CS and CA में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, उसके लिए हमें अलग से स्टेट गवर्नमेंट के जो आपके एग्जाम्स होते हैं बीकॉम एमकॉम वो दोगे तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के लॉ उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे सिलेबस में आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट का लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको सारे जो लॉ होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होंगे, सेंट्रल लेवल की होंगे, यूनियन लिस्ट के ही होंगे, एम आई क्लियर? ठीक है। अब GST आया, आपको पता है हमने बात की थी कि जीएसटी का रोज थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ पढ़ते चलेंगे, जीएसटी, ठीक है, यहाँ पे तीन लिस्ट है ना, लिस्ट वन, लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री, लिस्ट वन यूनियन लिस्ट, लिस्ट टू स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट थ्री कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैंने कुछ बताया था कि कुछ लॉ जो है ना वो यूनियन लिस्ट में है और कुछ लॉ जो थे स्टेट लिस्ट में थे, जैसे वैट की बात की थी हमने, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस की, वो स्टेट लिस्ट में था, ठीक है, अभी तो जीएसटी कंबाइन आ गया, राइट, वन लॉ वन वन नेशन ना वन टैक्स, ऐसी बात हो रही है, तो सर पहला तो सेग्रीगेशन था कि वैट तो स्टेट गवर्नमेंट लेगा और एक्साइज तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, ठीक है, अब तो लॉ मिक्स होने वाला है तो फिर क्या हो गया, तो लिस्ट तो पूरी हिल जाएगी, तो उन्होंने सारे लॉ को डिलीट कर दिया है, नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम नाउ, एंड दे हैव इंसर्टेड अ न्यू लिस्ट इन माय कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 246 कैपिटल ए। तो जीएसटी कौन से आर्टिकल से आ रहा है? इस आर्टिकल से नहीं आ रहा है, जीएसटी के लिए नया आर्टिकल बना दिया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका क्या है रेफरेंस नंबर, आर्टिकल 246A। तो मुझे आपको खाली इतनी बात पूछनी है, इज जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन इंडिया? यस, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कहां पे लिखा गया है, आर्टिकल 246 कैपिटल ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसमें लिखा गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड, लीगली वैलिड इन इंडिया। समझ में आ रहा है? जब भी हम कोई भी लॉ की लीगल वैलिडिटी पढ़ते हैं, तो मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं, मैं इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं कि इनकम टैक्स लॉ क्या इंडिया में वैलिड है, क्योंकि हम प्रोफेशनल्स बच्चे हैं। देखो, एक तो गधे जैसा हमको पढ़ना होता है, इनकम टैक्स है इंडिया में तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसा एक अप्रोच होता है, और इनकम टैक्स है ही क्यों और है तो वो वैलिड है कि नहीं है, वहां से चालू करना है आपको। कोई भी लॉ जब लाइफ में पढ़ोगे, जीएसटी भी जब पढ़ोगे, तो क्या क्या सोचना है, पहले तो ये जीएसटी है क्या और क्या है लीगली वैलिड है इंडिया में, ठीक है। तो लीगल वैलिडिटी आपको कौन सा डॉक्यूमेंट बताता है, सुप्रीम लॉ, और इंडिया का सुप्रीम लॉ कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए हम हर लेक्चर के पहले, हर लॉ के पहले कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमेशा बात करनी जरूरी है, ठीक है। अब सीए के जो बच्चे, हमारे सिलेबस में ना कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, इनके सिलेबस में है, सीएस के जो बच्चे उनके सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए ना ज्यादा मुझे विदाउट सिलेबस बात करनी पड़ती है। अब समझते हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज बियॉन्ड सिलेबस, इनके लिए विद इन सिलेबस है।
लेकिन सिलेबस में हो या नहीं हो उससे मैटर ही नहीं करता, हमें तो समझने से मैटर करता, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ लीगल इंडस्ट्री, टैक्सेशन इंडस्ट्री के, ठीक है। तो ऐसा है, तो इतनी बात का कंक्लूजन एक ही है, एक सिंगल लाइन, इनकम टैक्स इज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड इन इंडिया एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन एम्पावर्ड टू इनैक्ट अ लॉ एक्सक्लूसिवली अकॉर्डिंग टू एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, दैट इज लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पता चलता है कि इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है। दिस इज अ क्रक्स, ठीक है। तो वो तो बात कर लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग आपने दिया था लास्ट लेक्चर में कि इनकम टैक्स एक्ट करके खाली हेडिंग दिया था और तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, राइट। अब एक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, एक्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। मेरा जो इनकम टैक्स एक्ट है या कोई भी लॉ की आप बात करोगे, एक्ट विल बी डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, चैप्टर्स विल बी डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस विल बी डिवाइडेड इनटू सब सेक्शन एंड क्लॉजेस सब क्लॉजेस, ठीक है। इतना आप याद रखो, उसके आगे पैरा सब पैरा वगैरह होता है, लेकिन कोई भी एक्ट कैसे डिवीजन होता है, एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शंस, सेक्शंस इनटू सब सेक्शंस, सब सेक्शन इनटू क्लॉजेस एंड क्लॉजेस इनटू सब क्लॉजेस। सर हम सब क्लॉजेस तो याद करेंगे क्या, नहीं। क्या क्लॉजेस तक याद करेंगे, सिलेक्टेड। क्या सब सेक्शन याद करेंगे, सिलेक्टेड। लेकिन सेक्शंस हमें सारे याद होने चाहिए। लेकिन सर हमने कहीं तो सुना था बीकॉम वगैरह में या किसी प्रोफेसर से कि सेक्शन याद नहीं रहेंगे तभी भी चलेगा, ठीक है, कंटेंट याद होना चाहिए। तो मुझे एक बात बता, तो 1200 पेज का कंटेंट याद कर सकता है, एक पेज के सेक्शन नंबर नहीं याद कर सकता। तो मुझे बताना चाहता है कि तुझे पूरा चैप्टर याद है, खाली उसके स्टार्टिंग में एक सेक्शन लिखा हुआ है 1920 जो भी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर याद नहीं है सर। तो मेरा क्या मानना है, अगर तुझे सेक्शन याद है तो तुझे चैप्टर भी याद होगा, और जब तुझे सेक्शन ही याद नहीं है तो मैं चैप्टर कहां से तेरे से एक्सपेक्ट करूं, ठीक है। ऐसा तो मेरे बैच में कोई होना ही नहीं चाहिए जिसको पूरा चैप्टर याद है, लाइन टू लाइन याद है, लेकिन सर सेक्शन नंबर नहीं याद है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो क्या सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है। विदाउट सेक्शन क्वेश्चन आता ही नहीं आईसीएआई में। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में खुद सेक्शन लिखा होता है, और कभी कभी वो बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो सेक्शन आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ने सेक्शन बोल दिया तो आपका जो सेक्शन बाहर करने का जो एफर्ट था वो वेस्ट चला गया, क्योंकि उसमें सेक्शन लिखने का कोई मार्क्स नहीं होगा, क्योंकि वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अभी अगर आपने खाली उन्होंने बोला इनकम टैक्स एक्ट और आपने सेक्शन के साथ लिखा हुआ है, सब सेक्शन के साथ लिखा हुआ है, तो दैट क्रिएट्स इंप्रेशन कि यार बंदे को तो सेक्शन भी पता है, राइट। सो दैट विल फेच यू एडिशनल मार्क, और कौन सा एडिशनल मार्क, वन सिंगल मार्क की बात कर रहा था मैं। तो विद सेक्शन विदाउट सेक्शन क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं बेटा। विदाउट सेक्शन तुझे 56 मिलेंगे, विद सेक्शन 60 मिलेंगे। तुझे क्या चाहिए, 60 चाहिए कि 56 चाहिए, क्योंकि कम से कम एग्जम्पशन आता है, ठीक है। विद सेक्शन तुझे 98 मिलते हैं, और विदाउट सेक्शन, सॉरी, विद सेक्शन 200 मिलेंगे या 201 मिलेंगे, विदाउट सेक्शन 198 मिलेंगे। ग्रुप क्लियर होने के लिए 200 लगते हैं, ठीक है। तो दो तीन मार्क्स से फर्क पड़ता है क्या सर, बहुत पड़ता है, क्योंकि जो फेल होते हैं ना 198, 199, 197 पे फेल होते हैं, और जो पास होते हैं ना 200, 201, 202 पे पास होते हैं मेजॉरिटी। फिर उसके आगे होते स्मार्ट लोग तो होते ही 300-400 निकालने वाले, ठीक है, 350 आउट ऑफ 400 निकालने वाले, उनकी तो बात भी नहीं कर रहा, और मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जिनको 25-30 मिला हुआ है, क्योंकि इनका डिजर्व करते फेल होना, वो डिजर्व करते पास होना। हम बात करें एवरेज बच्चों की जो कंफ्यूज है, शायद होंगे शायद नहीं होंगे, स्ट्रगल किया है लेकिन उतना टैलेंट नहीं है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो 198 से 201 तक कैसा है सर, सेक्शंस के साथ। इफ यू नो द सेक्शंस यू नो द कंटेंट, ठीक है, ऐसे मैं अज्यूम करूंगा, ठीक है। कम से कम एज ए फैकल्टी तूने अगर सेक्शन बोला मुझे, तो मुझे ऐसे लगा यार सेक्शन बोला तो शायद इसको कंटेंट भी पता है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, जो मेजर सेक्शन है हमारे वो हमें बायहट करने हैं। अब तुम तो मुंबई के बच्चे हो तो तुमको समझा सकता हूं मेजर सेक्शन कैसे बायहट करते हैं। विरार से जो चर्चगेट फास्ट ट्रेन निकलती है वो कैसे जाती है, विरार से लेके बोरी तक स्लो होती है, हर स्टेशन पे रुकती है, बोरीवली से फिर अंधेरी से महिंद्रा से दादर से के बीच के स्टेशनों पे नहीं रुकेंगी, राइट। हाँ, तो बस वैसे ही होगा। तो मेजर सेक्शन मतलब आप समझ रहे हो अंधेरी बैंड्रा दादर, आज हमारा काम है वो मेजर बायहट करना। फिर उसके अंदर क्या है वो बाद में कभी तो कर लेंगे, लेकिन आज हमें इतना तो पता होना चाहिए कि अगर चर्चगेट से अगर ट्रेन निकली है तो कैसे जाएगी, स्टेप बाय स्टेप, ओके, चैप्टर बाय चैप्टर। आर वी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961
बाकी जो नए बच्चे हैं ठीक है, उनको जितने पेजेस इन्होंने लिखे उतने छोड़ने, उसके बाद लिखना चालू करना है। कितने पेजेस हुए? 3 पेजेस है ना, 3 पेजेस छोड़ने के बाद चालू करो आप लिखना, ठीक है। 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ दो, उतने ही छोड़ो, ज्यादा मत छोड़ो, मेरा फोटो नहीं बनाना है। हाँ ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्या ये लीगली वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है सर, ठीक है। वैलिड इसके लिए क्योंकि ये कहां पे लिखा गया, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल लीगली वैलिड है, इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। तो हम चैप्टर्स डिवाइड करने वाले कि सेक्शन सेक्शन, क्योंकि इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर बेस नहीं आएगा, एक्सेप्ट 1 और 2। इनकम टैक्स का जो क्वेश्चन आएगा वो सेक्शन बेस आएगा, तो हम बेटर सेक्शन ही हाइलाइट करते हैं, ठीक है। वैसे इनकम टैक्स में 23 चैप्टर्स है और 298 सेक्शंस है, न्यूमेरिकल अगर आप काउंट करोगे ऐसे 1 2 मतलब नंबर वाइज, तो 298 इज माय लास्ट सेक्शन। लेकिन अगर आप एक्चुअल में काउंट करोगे तो इट इज मोर देन 750, ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट 750 आप नंबर पकड़ के चल सकते हो। तो टोटल 750 सेक्शन पढ़ने आप लोगों को आईपीसीसी और फाइनल मिला के। एक बार इनकम टैक्स ढंग से पढ़ लो, लाइफ में एक ही बार पढ़ना होता है। आई होप मेजोरिटी ऑफ यू आर स्टडिंग इनकम टैक्स फॉर फर्स्ट टाइम, ठीक है, और फर्स्ट टाइम पढ़ोगे तो ढंग से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि ढंग से पढ़ने के बाद क्या होगा सर, यू कैन यूटिलाइज फॉर 1 अटेम्प्ट ऑफ आईपीसीसी, ठीक है। फाइनल में भी आएगा 100 मार्क का, आईपीसीसी में है, फाइनल में 100 मार्क का है, फाइनल में भी नहीं, फाइनल में 200 मार्क का हो चुका है, लेकिन वो इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, तो सीए फाइनल में भी 200 मार्क का मेरा सब्जेक्ट हो चुका है, आउट ऑफ 800 200। अब समझ रहे हो कितना इसका वेटेज, समझ रहे हो वेटेज कितना है, टोटल 800 मार्क का सीए फाइनल, उसमें का 200 इनकम टैक्स है, ठीक है। फिर बीकॉम में रहता है, बीकॉम की एग्जाम में आएगा, एमकॉम करोगी आप लोग, क्योंकि बीकॉम मजाक मजाक में करे तो एमकॉम भी हो ही जाएगा। अरे मास्टर ऑफ कॉमर्स पागल, क्या डिग्री है बता। तो बैचलर्स बन के क्या करना है सर, मास्टर बनेंगे, ठीक है, मास्टर के ऊपर कुछ नहीं होता मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो वो भी कर लेना, ठीक है, उसमें भी आता है 100 मार्क का। और यहां से लेके आगे वाली जिंदगी में मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग सालों टैक्स भरना चालू कर दो, भरोगे तो जो मजा आएगा ना, अच्छा मेरी सैलरी पे इतना टैक्स निकाला है, कम से कम तेरा खुद का टैक्स तो निकालने आए तुझे, आप समझ रहे हो, खुद इतना तो कमाई लोगे ना कि टैक्सेबल इनकम में आओगे, नॉन टैक्सेबल में 2.5 लाख है, कमाओगे लाइफ में तो 2.5 से ज्यादा ही कमाओगे, तो कम से कम खुद का तो असेसमेंट करने आवे, मतलब जो टैक्स भरने वाले हो। अब इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए तो मैं तुमको मार्क्स का लालच दे रहा हूं, देखो इधर इधर इतने मार्क का है, 50 मार्क का है, फाइनल में 200 मार्क का है, फिर बीकॉम में आएगा, फिर एमकॉम में आएगा, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ये हो गया मार्क्स एंड जॉब का लालच, ये हो गया एक बात। दूसरी बात इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए बता रहा हूं आपको कि भाई तू खुद भरने वाला है तो तुझे पता तो होना चाहिए कि तू क्या भर रहा है और कैसे कंप्यूट हो रहा है, ठीक है, गलत कैसे होता है, सही कैसे होता है, ज्यादा कैसे होता है, कम कैसे होता है, पता होना चाहिए ना। और सही है, हम कम करने के लिए होते हैं राइट तो आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी तीसरी बात अगर मैं बताऊं इसके लिए तो इसमें पैसे पैसे भरे पड़े, गांधी जी हर पेज पे, क्योंकि सीए बनने के बाद करने क्या वाले हो, लोगों का, हाँ नहीं, लोगों का टैक्स बचाओगे, कम करोगे, कंसल्टेंसी दोगे, लोग फंसे होगे उसको बाहर निकालोगे, मतलब इस लॉ को यूज करके तुम पैसे भी कमाने वाले हो। अब इतने सारे अट्रैक्टिव फ्यूचर्स मैंने बता दिए, तब तो सालों इंटरेस्ट होना चाहिए ना, और मैं पढ़ा रहा हूं ना, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बिल्कुल वैलिड है, डिवाइडेड इनटू सेक्शंस। आई होप तुमको सेक्शन पहला तो पता ही होगा, सेक्शन नंबर पहला सेक्शन क्या होगा, ओह माय गॉड कितने इंटेलिजेंट बच्चे मेरे, सेक्शन नंबर 1 कैसे गेस कर लेते हो यार तुम लोग, तुम लोग लॉ बना सकते हो पता है, इंटेलिजेंट टैलेंट, नाम पता है किसको चलो मैं बता देता हूं, आज बता देता हूं, अभी इसके बाद ना कोई भी पूछेगा ना तो यही बताना है आपको, ठीक है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव होता है, मैं खाली स्कोप लिखता हूं क्योंकि मुझे वो वर्ड अच्छा लगता है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव करके होता है सेक्शन 1 में। सेकेंड वर्ड होता है एक्सटेंट, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी, ये 4 चीजों के बारे में यूजुअली सेक्शन 1 में लिखा जाता है। यूजुअली जब हम लॉ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वी नेवर डिस्कस सेक्शन 1 विद स्टूडेंट्स, नेवर एवर, ठीक है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फैकल्टी होंगे जो अपना टाइम वेस्ट करते होंगे सेक्शन 1 पे, ठीक है, मैंने बोला वेस्ट करते होंगे क्योंकि एग्जाम में सेक्शन 1 नहीं आता सर, नहीं तो फिर हम तो नहीं पढ़ने वाले, लास्ट बेंच वाले सोच रहे हैं अपना, अपने को ध्यान नहीं देना है एग्जाम में जो आता है वो बता, ठीक है।
तो ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर सेक्शन वन नहीं पढ़ोगे ना तो आपको उस लॉ का ऑब्जेक्ट नहीं समझेगा। मैंने पहला ही वर्ड क्या बोला, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको किसी लॉ का ऑब्जेक्ट समझना है कि वाई दिस लॉ, तो कौन सा सेक्शन पढ़ना है आपको, वन। कभी कभी आपको पता है, अभी कंपनीज एक्ट 2013 का एग्जाम्पल देता हूँ, वो तो पता ना कंपनी 2013 है, उसके पहले 1956 था, इतना तो सुना होगा। उसके पहले भी एक दो लॉ थे, बहुत सारे लॉ थे, इंडियन कंपनीज एक्ट वगैरह ऐसा कुछ कुछ था, ठीक है। वो लॉ डिलीट होके 56 बना और 56 डिलीट होके 2013 बना, ये पता कैसे चलेगा? सर हमको तो पता है, मैडम ने बताया था। अरे पागल, मैडम नहीं होती लाइफ में तो कैसे पता चलता? तो तुझे कहीं से तो कहीं पता होना चाहिए ना कि लॉ क्यों आया, किसको ओवरराइड करता है, क्यों इसको न्यू किया गया था, ठीक है। वो सब कुछ कहां पे लिखा होता है, सेक्शन वन, स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, कि मैं क्यों लाइफ में आया था, मैं पैदा ही क्यों हुआ था, ठीक है। वो लॉ मतलब मैं नहीं, हाँ वो लॉ क्यों आया था, वो वहां सेक्शन वन में लिखा जाता है। तो मेरा सेक्शन क्या है, मैं ना मतलब मैं इसकी हिस्ट्री नहीं बताना चाहता, बता दी थी मैंने हिस्ट्री, इनकम टैक्स तो सालों सदियों से भरते आए हम लोग, ठीक है। लॉ बना 1922 में था, इंडियन इनकम टैक्स करके था, ब्रिटिशर्स ने जो बनाया हुआ लॉ था हमारे कंट्री में, तभी इंडियन इनकम टैक्स बोला जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हुआ करती थी, उसमें का एक इंडिया था, इसलिए उन्होंने लिखा था इंडियन इनकम टैक्स। अब हम इंडिया में तो हम तो नहीं बोल ना, मतलब ऐसे बोलेंगे इंडियन इनकम टैक्स, तो ऐसा मतलब ही नहीं ना उस इंडियन का, भाई तुम इंडिया का लॉ, इंडिया की गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो किसके लिए बनाएगी? तो अभी वाले इनकम टैक्स में इंडियन वर्ड नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट लिखा हुआ है खाली, ठीक है। तो एक बात होती हिस्ट्री की बात है और कुछ नहीं। तो 1922 को ओवरराइड करके 1961 आया था हमारा लॉ। ये सब चीजें लिखी गई कहां पे, स्कोप में, क्यों सर क्या करेगा, क्या टैक्स करेगा, जो लोग पैसे कमाएंगे पैसे के ऊपर टैक्स होगा। डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स है। क्यों डायरेक्ट सर? अरे कोई डायरेक्ट 30% ले रहा है तो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? सर हमारा तो कोई नहीं ले रहा। अरे कुछ है क्या? कुछ होगा तो 30 जाएगा ना, तो कुछ होना चाहिए, फिर 30 जब जाएगा ना तो दिखेगा ऐसे जा रहा है डायरेक्टली जा रहा है। तो डायरेक्टली जब जाता है ना डायरेक्टली दुखता है, ठीक है, पिंच होता है, इसलिए डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स तो जब से तुम पैदा हुए तब से भर रहे हो। पहला जो इंजेक्शन लगा था उसमें भी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स था, एक्साइज था, वैट था, ठीक है। तो तब से भर रहे सर, तभी भी मतलब कुछ समझ में नहीं आता था, रोना चालू कर देता बस, शायद टैक्स भरा इसलिए भरे होंगे, ठीक है। तो टैक्स तो तब से भरे हो, लेकिन समझ में नहीं आया था कि टैक्स होते इतने सारे होते हैं। अभी भी नहीं पता तुम लोगों की क्या क्या टैक्स भरते हो तुम लोग, लेकिन वो कैसे भरते हम, इनडायरेक्टली। उसका पिंच होता है क्या, दुखता है क्या कहीं पे? तो कहीं अभी आइसक्रीम खा के आया, आइसक्रीम में 2 रुपए का एक्साइज ड्यूटी लगा था, दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्यों सर? पता ही नहीं चला कि एक्साइज भर के आया हुआ है, लेकिन एमआरपी पड़ा होगा ना, एमआरपी के नीचे क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब कुछ तो होगा, कुछ तो टैक्स भर दिया तुमने, लेकिन क्या डायरेक्टली भरा? नहीं। तो जो इनडायरेक्टली भरते हो उसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, और जो डायरेक्टली भरते हो। कितना इजी है लाइफ, एकदम सिंपल है, ठीक है। हमने बना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे तो तुम लोग याद होने आओगे, राइट। तो स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव आपको समझना है, स्कोप समझा, मेरा स्कोप एकदम इजी है, इनकम है, पर्सन है, टैक्स लगेगा। तू इनकम है, तू पर्सन है, तेरे पास इनकम है, टैक्स लगेगा, इतना इजी स्कोप है। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर, राइट। एक्सटेंट, ये लॉ कहां तक एप्लीकेबल होगा, कहां तक एप्लीकेबल होगा बताओ, एरिया ज्योग्राफिकली, इंडिया की डेफिनेशन बताओ, जम्मू एंड कश्मीर पे लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा सारे, अभी तो बोला होल इंडिया, फिर बोलते जम्मू कश्मीर पे नहीं लगेगा। लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? जम्मू कश्मीर को हम सेफ्टी सिक्योरिटी देते कि नहीं देते? वहां पे जो सोल्जर रेड है हमारे इंडिया के कि जम्मू कश्मीर के है? हमारी इंडियन आर्मी है वहां पे, ठीक है। रोड्स वगैरह जो बनती है इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, वहां की जो पॉलिसी चलाती इंडियन गवर्नमेंट चलाती है, ऊपर से स्पेशल स्टेट के यहाँ पे आता है, मतलब अगर उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, अगर कोई भी गवर्नमेंट बेनिफिट देने वाली है तो जम्मू एंड कश्मीर इज ऑन प्रायोरिटी लिस्ट। तो साले टैक्स नहीं भरेंगे वहां के लोग? बिल्कुल भरना चाहिए, क्यों नहीं लेंगे, ठीक है, हक बनता है हमारा लेने का टैक्स, तो हम जम्मू कश्मीर से भी टैक्स लेते हैं। लेकिन सर एक कंफ्यूजन है क्यों लाइफ में, बिकॉज ऑफ सर्विस टैक्स। जो सर्विस टैक्स था ना, सर्विस टैक्स हो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने सुना होता है कि सर्विस टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन द जम्मू एंड कश्मीर। बहुत सारे लोगों ने ना वो सर्विस वर्ड सुना ही नहीं होता, तो उनको खाली क्या सुनता है, टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा नहीं है, जो बहुत सारे टैक्स लॉ है हमारे कंट्री में, बहुत सारे हैं, ठीक है, उसमें का एक लौता लॉ वहां पे एप्लीकेबल नहीं था, वो कौन सा था, सर्विस टैक्स। जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बाकी सारी जगह पे एप्लीकेबल था। अब हमने उनको वो क्यों नहीं था एप्लीकेबल वगैरह, वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन हमने जीएसटी का चुनाव उनको लगा दिया है। जब वो लोग सर्विस टैक्स में थे तो सर्विस टैक्स नहीं लगा रहे थे, लेकिन एक्साइज लगा रहे थे, मतलब
कुछ इंडायरेक्ट टैक्स लगा रहे थे, कुछ इंडायरेक्ट टैक्स नहीं लगा रहे, नहीं लगाने में मेजर जो था वो सर्विस टैक्स था। जब जीएसटी आया तो उनको हमने चॉइस ही नहीं दी, अब सर्विस टैक्स और एक्साइज और वो सब अलग अलग रहा ही नहीं, अब लगाना है तो सारा इंडायरेक्ट टैक्स लगना है, नहीं तो नहीं लगाना तो पूरा नहीं लगाना है। तो उन्होंने बहुत सोचा और लास्ट में, सबसे लास्ट में जिस स्टेट ने अप्रूव किया जीएसटी इंडिया में वो जम्मू एंड कश्मीर है, लेकिन अप्रूव कर दिया तो आ गए, अभी इंडायरेक्ट टैक्स में भी आ गए। तो क्या अभी डायरेक्ट टैक्स जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं? हाँ लग रहे हैं। क्या इंडायरेक्ट टैक्सेस भी लग रहे हैं? पहले 1 जुलाई से पहले नहीं लगते थे इनडायरेक्ट टैक्सेस का सर्विस टैक्स, समझ में आ रहा है? लेकिन वो तो मतलब मेजर लॉ, सर्विस टैक्स जीडीपी में मोर देन 50% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तो सब्सटेंशियल जो लॉ था वो नहीं लग रहा था, लेकिन अभी जीएसटी आ गया, अब आ रहे, अब भर रहे वो लोग भी, ठीक है। बेनिफिट चाहिए तो टैक्स भरो, सिविलाइज सोसाइटी चाहिए तो टैक्स भरो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, डिफेंस चाहिए तो टैक्स भरो, भरना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इंडिया की डेफिनेशन क्या है सर? ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमने वो मूवी में सुना हो, तुम लोगों ने तो मूवी में भी नहीं सुना होगा, इतने छोटे हो, ठीक है, ये दुनिया एक दुल्हन, इस दुल्हन की माते की बिंदिया क्या ये है मेरा इंडिया? ये कौन सा गाना था? परदेश ऐसा कुछ मूवी था ना, हाँ उसमें था कुछ, तो शाहरुख खान था उसमें, हाँ शाहरुख खान था उसमें, ऐसा एक गाना था, उस गाने के वर्डिंग थे, राइट? सुना है? नहीं सुना, वो भी बताया मुझे, नहीं सुना होगा। तुम लोग क्या अभी वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हो ना, तुम्हें हनी सिंह पता है, बाबा हनी सिंह, ठीक है। हाँ तो वैसे गाना था, क्या ऐसा इंडिया का डेफिनेशन है। इतनी तो बात हमारी हो गई कि मेरा इनकम टैक्स इज एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, लेकिन हमारी यही बात नहीं हुई है कि इंडिया मतलब क्या, राइट? व्हाट डू मीन बाय इंडिया? सर इंडिया मतलब वो जो हमारे माइंड में आता है ऐसा डिजाइन, वो वाला इंडिया, तो बना लेता हूँ मैं, ठीक है, बना रहा हूँ मेरा ड्राइंग थोड़ा इंडिया पूरा एक्सपेक्ट ना करो मुझसे, ठीक है। तो ये है हमारा इंडिया, ऊपर वाला मान लो मैंने बोला है, ठीक है, हम यहाँ पे है ना, हम है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। यहाँ का पूरा बेल्ट जो ना, मैं पूरे बेल्ट पे पढ़ाता हूँ, ये वाला यहाँ पे कर्नाटका आता है, उस कर्नाटका के नीचे केरला आता है, ठीक है, ऊपर गुजरात आता है, इस पूरे बेल्ट पे मैं पढ़ाता हूँ, इधर छा गया हूँ मैं, ठीक है। अब खाली गोवा जाना है मुझे बस लेक्चर के लिए लेक्चर लूंगा थ्रीपोत पे यो तो गोवा का खाली असाइनमेंट मिले, लेकिन गोवा के लोग ऐसे सीए वगैरह करने में इतने ज्यादा सीरियस नहीं है, कुछ 10-15 बच्चे भी मिल जाएंगे ना, लेक्चर ले लूंगा ऐसा है। तो चलो ठीक है, ये पूरा क्या है? इंडिया है, ये इंडिया का लैंडमार्क है, हम इसको क्या बोलते हैं? सर इतना छोटा क्यों लिख रहे हो? क्योंकि बोल रहा हूँ तो समझो, सुनो, सुनना भी जरूरी है। लैंडमार्क है इंडिया का, ठीक है, जो आपके माइंड में आता है, इंडिया का इमेज जो आता है, आपने जो बचपन से देखा हुआ है, राइट, आपके स्कूल के बुक पे जो छपा हुआ था, बहुत सारी बात आपने की है, गेम भी खेलते हैं कुछ लोग ना, हो कुछ भी बोलेंगे रैंडम, उसको ढूंढना होता है, तो जो गेम वगैरह आपने जिसपे खेले वो लैंडमार्क ये रहा, ठीक है। क्या खाली यही इंडिया है? अगर मैं खाली बोलूँ यही इंडिया है तो इसका ये मतलब है मैं अगर इस पार्ट में अगर इनकम कमाऊंगा तो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरा एक गोवा के बाहर, गोवा के यहाँ पे मतलब बीच पे अपना कसिनो चलता है, पानी के अंदर बोट है बहुत बड़ा मेरा, और उस कसिनो में मैं पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा बोट है, क्या इस बोट में जो मैं पैसे कमा रहा हूँ ये बोट है? अज्यूम करो किसी ने बॉटल नहीं फेंका है, कचरा नहीं है, बोट है, ठीक है, ये इंडिया है तो ये बोट है, बहुत बड़ा वेसल है, ठीक है, इस पे कसिनो चलता है मेरा जो पानी के अंदर खड़ा है, करोड़ों कमा रहा हूँ मैं, क्या टैक्स भरूँ इंडिया में? क्यों? ये पानी भी हमारा है सर, ये पानी भी, ये जमीन हमारी, ये पानी भी हमारा है सर, ठीक है, तो ये पानी कहाँ तक हमारा है? अरे सर जहां तक नजर जाती है वहां तक हमारा है, होराइजन बोलते पता है, जहां पे स्काई एंड सी जैसा लगता है कि मीट हो रहा है, उस होराइजन तक हमारा है, और वहां तक जाएगा तो फिर नया होराइजन आया सर, वो भी हमारा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते तुम किसी और कंट्री में घुस जाओगे, ठीक है, तो अपने को इसको डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे ना 12 नॉटिकल माइल बोलते हैं, मैंने बोला नॉटिकल माइल्स, कितने नॉटिकल माइल्स तक? 12। सर ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है? ये पानी में डिस्टेंस काउंट करने का एक मेजरमेंट है, जैसे आप किलोमीटर बोलते हो, किलोमीटर समझते हो, 1.83 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल अप्रोक्सीमेटली, 1.83, तो मतलब दो पकड़ लो ना, तुम्हारे समझ के लिए दो पकड़ लो, 2 किलोमीटर मतलब कितना? हाँ 2 किलोमीटर तो समझ में आता है, नहीं समझ में आता होगा तो ऑटो में बैठो, मीटर डाउन करो, मीटर को देखते रहो, 0.1 से चालू होगा, 0.1 मतलब 100 मीटर, राइट, वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, 0.7, 0.8, 0.9, और जैसे 1 हो जाएगा ना, वो 1 किलोमीटर हो गया, ठीक है, समझ रहा है? जितना ऑटो से डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उतना रिटर्न आना, 2 किलोमीटर हो गए अरे रिटर्न नहीं तो आगे चले जाएगा 2 किलोमीटर, रिटर्न कौन आएगा ठीक है हाँ तो 2 किलोमीटर कितना होता है वो समझ में आया?
सर मुझे एग्जैक्ट 1.8 चाहिए, तो ठीक है ना, तो तू ये क्या कर, 0.9 पे रुक जा, घूम जा, जब रिटर्न आएगा तो 1.8 हो जाएगा, राइट। तो जितना 1.83 किलोमीटर होता है उतना 1 नॉटिकल माइल होता है, डिस्टेंस के हिसाब से समझ में आया आपको, थोड़ा तो आइडिया आ गया। उतना कभी अपने गर्लफ्रेंड को लेके बीच पे बैठना और बोलना देख आगे, बहुत आगे तक देख, नहीं और थोड़ा दूर, वहां तक इंडिया है। कितने नॉटिकल माइल्स तक? 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे पानी में जाके खड़े रह के बोलना मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, इंडिया में, बोले कि पानी में नहीं, ये इंडिया का पानी है, ठीक है, आगे मत जाना इधर से रिटर्न नहीं आ पाओगे हाँ ठीक है, बोट भी नहीं तो जा सकते हो आगे तक। तो ये 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका इंडिया चलता है, ठीक है। इसके आगे इंडिया हो सकता है 200 नॉटिकल माइल्स तक, इट कैन बी एक्सटेंडेड। मैंने बोला इट इज इंडिया एंड इट कैन बी इंडिया, दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर मैं बोलूं इट इज इंडिया तो 12 नॉटिकल माइल वाला पढ़ा के तो कुछ मतलब ही नहीं है सर, 200 तो हमारा ही पानी है, तो फिर 12 की बता रहे हो पहले, ये बाय डिफॉल्ट इंडिया है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज इंडिया। सर ये डिक्लेयर कौन कर रहा है पहले तो वो बताओ, ये मेजरमेंट डाला किसने, क्या इंडिया के पास पावर होगा ये करने का? अगर इंडिया के पास पावर होता तो 2000 तक हमारा है, अरे आगे भी पानी है तो बताओ हो भी हमारा है, ठीक है, वैसा नहीं होता, ठीक है। तो हमारी यूरोपियन यूनियंस वगैरह होते हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका एक मैरीटाइम जोन एक्ट है, हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मैरीटाइम जोन एक्ट में डिफाइन होता है कि किस किस कंट्री का वाटर टेरिटरी कितना होता है, क्लियर है। तो हमारा इंडिया का वाटर टेरिटरी कहाँ तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक है, यहाँ तक क्लियर है। ये इंडिया है क्या अभी? नहीं है। ये इंडिया है क्या? हाँ सर, आपने इस साइड बनाया, मतलब खाली राइट हैंड साइड इंडिया, लेफ्ट हैंड साइड नहीं है? नहीं पागल, जहां पे भी तू खड़े रहेगा ना, लैंडमार्क जहां खत्म होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे खड़े रहने का, वहां से 12 नॉटिकल माइल। तो जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मैं स्ट्रेट लाइन खींचता हूं यहां पे कि 12 नॉटिकल माइल यहां तक है बेटा, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एक्चुअल में आपको इंडिया का 3D इमेज लेना पड़ेगा और उसको जूम करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि जहां पे लाइन खत्म होता है, जिस शेप में खत्म हुआ है उसी शेप में ये भी लाइन आएगा। इतना डिटेल में एक ही बार पढ़ा रहा हूं, इंडिया क्या है, बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, हर लॉ में आता है इंडिया, क्लियर है। 12 नॉटिकल माइल्स तक बाय डिफॉल्ट इंडिया है, उसके आगे इंडिया कैन बी डिक्लेयर, ठीक है सर। कब? एक मशीन होता है ऑयल रिक करके, ठीक है, बॉम्बे हाई पे अगर आप कभी गए रहोगे तो वहां पे होता है, या तो आप रिलायंस पेट्रोलियम का वेबसाइट देख लो, उसमें आपको एक बहुत बड़ी वेसल दिखेगी, ठीक है, उस वेसल का नाम होता है ऑयल रिग। ये वेसल ही होती है, ऐसा बॉक्स नहीं होता कुछ, बहुत बड़ी वेसल होती है, ठीक है, जिसके अंदर इक्विपमेंट लगे होते हैं, वो इक्विपमेंट बहुत अंदर तक अपना डिगिंग करते हैं और उसमें से मिनरल्स और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बहुत रॉब निकलता है उसमें, कीचड़ निकलता है, पानी निकलता है, बहुत कुछ निकलता है, फिर उसको ऑयल रिफाइनरी में लाके रिफाइन किया जाता है, समझा आपको, वो सब काम होता है। तो इसका काम क्या है? एक्सट्रैक्ट करना, एक्सप्लोर करना, समझा। ऐसी वेसल जो होती है, इस वेसल को ड्रैग करने के लिए दो अलग वेसल्स होती है, क्योंकि अपने आप पे नहीं चल सकती, चलने के लिए नहीं बनी, एक्सट्रैक्शन के लिए बनी होती है, लेकिन ये फ्लोटिंग ही रहती है, समझ में आ रहा है। खाली वो पाइपलाइन इतना उसका अंदर जाता है कि अंदर से अपना बहुत डीप सी में से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो इंडिया का राइट है, इंडिया का राइट है कि हम हमारी ऑयल रिग जो है 200 नॉटिकल माइल्स तक कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारा राइट है। मैंने क्या बोला समझ रहा है? करना है, जरूरी है क्या? राइट है। अच्छा, हमने नहीं लगाई हमारी ऑयल रिग यहाँ पे, पाकिस्तान आके लगा देगा क्या? और कोई कंट्री नहीं, क्योंकि हमने नहीं लगाया तो हमारी मर्जी भाई, हमारे लिए रिजर्व किया हुआ है उतना नेचुरल रिसोर्स कि यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करना है, आप करो, नहीं करना है नहीं करो। सर हम यहाँ जा सकते हैं क्या? हाँ जा सकते हैं, किसने रोका है? इसको हाई सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाई सी। हाई सी जो होता है वो इंटरनेशनल वाटर होता है, दिस इज इंटरनेशनल टेरिटरी जिसका ओनर कोई नहीं होता। सर आप बोलोगे थोड़ा और आगे जाएंगे, थोड़ा और आगे जाएंगे तो कोई और कंट्री आ जाएगी, लेकिन जब तक कोई और कंट्री नहीं आई है तब तक इस ओपन वाटर को इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं, जहां पे कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे कोई लॉ एप्लीकेबल होगा? वो कोई ज्यूरिडिक्शन ही नहीं है, लॉ ज्यूरिडिक्शन के अंदर अप्लाई होते हैं। आपने देखा होगा मुंबई वगैरह से आप बाहर जाते हो तो ऐसे लिखा होता है, मुंबई पुलिस चौकी हद संपली, राइट, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज्यूरिडिक्शन इज ओवर, थैंक यू, विजिट अगेन, ऐसा लिखा होता है।
तो ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लॉ ऐसे विदाउट ज्यूरिडिक्शन नहीं बनते कभी। ज्यूरिडिक्शन को डिफाइन किया जाता है और उसकी उस टेरिटरी के लिए लॉ बनाया जाता है। क्लियर है? इसलिए हमारे इंडिया में आप जमीन के मालिक नहीं हो सकते, लैंड के आप ओनर हो ही नहीं। लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स जिसका ओनर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन सर हमारे तो पापा की जमीन है बहुत सारी, वो यूज कर रहे हैं। कल अगर उनकी मर्जी बनी ना, उनकी मतलब गवर्नमेंट की, आपके पापा को एक लेटर आएगा, पैसे देंगे, बोलेंगे लैंड खाली करना है, चॉइस नहीं देंगे, खाली करना है तो करना है। कंपल्सरी लैंड एक्विजिशन एक्ट है हमारे इंडिया में। उनको अगर मेट्रो बनाना है यहाँ से जोगेश्वरी से, मेरी बिल्डिंग अगर बीच में आ रही है, मेट्रो यहाँ तक बन चुकी है, मैं नहीं बोल सकता मेट्रो को घुमाना है यहाँ से ऐसे नहीं होगा, क्या करेंगे वो लोग? हाँ नहीं नहीं ऊपर से नहीं, बिल्डिंग बीच में आ रही है मतलब ऊपर, मतलब ऊपर भी नहीं जाएंगे। हाँ इतना ऊपर भी नहीं हो, क्या रोलर कोस्टर नहीं है, एसएल1 नहीं जा रहे हो? हाँ ऐसा नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा इस बिल्डिंग को? लेकिन तुम्हारा तो घर यहाँ पे है तो क्या करेंगे? लेटर देंगे, भाई घर तुम्हारा है, बिल्डिंग तुम्हारी, लेकिन जमीन हमारी है, खाली करो। सर फोकट में खाली करवाएंगे क्या? नहीं नहीं पूरा कॉम्पेंसेशन देते, पैसा देते, कम से कम बातें तो करते कि मिलेगा। अरे मोदी अंकल है, भाइयों बहनों मिलेगा, सबको मिलेगा, मेरा देश बदल रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? तो हमारा लैंड हमारे ओनरशिप का नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका लॉजिक भी है। अगर तूने 100 एकड़ की जमीन ले ली तेरी, जोगेश्वरी समझ ले तेरी है, ठीक है, जोगेश्वरी पूरी जमीन तेरी है, जोगेश्वरी की जितनी भी जमीन है पूरी तेरी है, तो अपना लॉ बना लेगा, बोलेगा मेरा जमीन, मेरे बाप की जमीन, मेरा लॉ चलेगा। कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अरे राइट, क्योंकि तो बोलेगा इस लैंड का ओनर मैं, तुम लोग हो कौन लॉ बनाने वाले मेरे लिए? इसलिए लैंड का तू ओनर है ही नहीं। लैंड का ओनर है कौन? गवर्नमेंट। तो कल अगर तेरे को काम नहीं होगा, होमवर्क नहीं करना होगा, तो अपना जमीन खोदना चालू हो गया घर, ठीक है, और नीचे सोने की खान मिल गई, तेरी है किसकी है? ऑयल रिग मिल गई, ऑयल आना चालू हो गया क्या होगा, किसका है? लेकिन सर मैंने ढूंढा ना। हाँ उसका मिलेगा ना कॉम्पेंसेशन, 2%, 5%, 10% जो भी मिलेगा, ठीक है, अवार्ड देंगे तुझे, लेटर देंगे, न्यूज़पेपर में नाम आएगा, लेकिन कल्टी दूसरे दिन से निकालो, खाली करो, हमारा है वो, ठीक है। ऑल नेचुरल रिसोर्स बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो हवा है वो किसकी है? हवा जो है किसकी है? हमारी। तुमने छोड़ी तेरी हवा है? हाँ नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, हम हवा को पॉल्यूट करते हो अलग बात है, लेकिन जो नेचुरल एयर है वो किसका है? गवर्नमेंट का। आपको पता है गवर्नमेंट हवा भी बेचती है, करोड़ों में बेचती है, ऑक्शन में लगा, ऑक्शन लगा के सेल करती है, करोड़ों में, लाख करोड़ों में, पता है आपको? नहीं, कभी नहीं सुना। क्रेडिट कार्ड, कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट अलग है। हाँ वो भी अच्छा है, वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो तो हमारी एयर क्लीन होगी तो कार्बन क्रेडिट मिलते, वो हम सेल करते, कार्बन क्रेडिट इज सिक्योरिटी, ठीक है। नॉर्मली हवा सेल करते वो लोग। तुम्हारा नेटवर्क कम्युनिकेशन होता है ना, फोन आता है ना तुम्हें, मैसेज आता है, वायर है क्या उसमें? ऐसा वायरलेस है ना, वायरलेस मतलब मैसेज कहीं से तो आता होगा, हवा में से आता होगा ना। अरे सीरियसली मजाक नहीं कर रहा, एक मोबाइल से फाइल दूसरे मोबाइल में जाने के लिए कुछ तो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म होगा ना, इसमें मीडियम होगा ना बीच में कुछ तो, ठीक है। तो अभी मैंने दरवाजा पैक बंद करके रखा है, नहीं आएगा, दरवाजा खोल दूंगा तो 2-4 मैसेज आ जाएंगे अंदर, नहीं उतना नहीं होता। इसे हवा में स्पेक्ट्रम करके एक चीज होती है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को सेल किया जाता है। स्पेक्ट्रम हेल्प्स टू एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन। तो स्पेक्ट्रम किसका है? गवर्नमेंट का है, और वो लाखों करोड़ों में बेचती है। तुझे स्पेक्ट्रम स्कैम सुना होगा अगर आपने, ए राजा का नाम सुना होगा, उस टाइम के टेलीकॉम मिनिस्टर थे, आज भी वो केस चालू है, ठीक है, चलते रहेगा, ए राजा चले जाएंगे कभी तो दुनिया से, केस चलते रहेगा इंडिया है, ठीक है, क्योंकि वैसे बड़े बड़े केस होते हैं ना, 1,00,000 करोड़, 2,00,000 करोड़, 5,00,000 करोड़ का स्कैम, ऐसा स्कैम होता है, ठीक है। तो ये सारी बात थी, तो ये सब बता क्या रहा हूँ, इंडिया का टेरिटोरियल वाटर यहाँ तक है, इसके आगे हो सकता है नहीं, ठीक है। अच्छा एक मुझे बात बताओ, ऑयल रिग तो मैंने बताया यहाँ पे भी हो सकती है, ONGC सुना है आपने? ONGC हमारी कंपनी है इंडिया की, तो ONGC यहाँ पे भी है, ये भी ONGC का ही है पकड़ लो, ठीक है, यहाँ पे भी ONGC का ही है। तो अभी मैं आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, बहुत एक्चुअली ऐसे नहीं पूछना चाहिए,
विदाउट नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स, लेकिन ऐसे जनरल नॉलेज की बेसिस पे आप मुझे आंसर करो, मैं अगर यहाँ पे पैसे कमाऊंगा यहाँ पे, क्या मुझे इनकम टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, ठीक है। मैंने अगर यहाँ पे पानी पे बोट रखा हुआ एक, और उस बोट में पैसे कमा रहा हूँ वेसल पे, क्या टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मैं यहाँ से पानी के अंदर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ, क्या टैक्स लगेगा? यहाँ पे पानी के अंदर, पानी के अंदर भी होता है ना, लैंड होता है, कॉन्टिन्यूटल शेल बोलते हैं उसको, लेकिन होता है ना, पानी के अंदर भी कुछ होता है। हाँ, तो यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ मैं, पहले बताओ कमा कैसे रहे हो? अरे तुमको फालतू क्यूरियोसिटी बहुत होती है, वो छोड़ दो, कमा रहा हूँ ना मैं, स्कूबा डाइविंग का मेरा बिजनेस है, तुम लोगों को लेके जाता हूँ अंदर, छोड़ के आता हूँ। हाँ हाँ बताओ कैसे कमा रहा हूँ, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? क्यों लगेगा, क्यों लग रहा है? ये भी तो इंडिया है, ये भी इंडिया है, ये भी इंडिया है, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, और खाली दिमाग वाले बच्चे आंसर करेंगे। मैं इस ऑयल रिग के बिजनेस से पैसे कमा रहा हूँ, टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि अगर ऑयल रिग हो ही ना तो इंडिया है, जितनी ऑयल रिग का एरिया वो इंडिया है। मैं यहाँ पे पैसे कमा रहा हूँ, यहाँ पे टैक्स लगेगा नहीं? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑयल रिग नहीं है, और ये इंडिया भी नहीं है। इंडिया कहाँ खत्म हो गया? 12 नॉटिकल माइल्स पे खत्म हो गया, ठीक है। ये इंडिया की कंपनी है और इंडिया का ऑयल रिग है, लेकिन ये इंडिया का लैंड नहीं है। क्या यहाँ पे, या लैंड और वाटर जो भी है, ये नहीं है, तो यहाँ पे भी टैक्स नहीं लगेगा। इतना समझ रहा है? लेकिन ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया मैंने। एक्चुअली टैक्स तो पूरे ग्लोब में, मैं कहीं पे भी जाऊँ ना, पूरे ग्लोब में, मैं तो बोलूँ मैं चांद पे जाके भी पैसे कमाऊँ ना, तभी भी इंडिया में टैक्स लगता है। हाँ, इतना इतना गंदा टैक्स सिस्टम है हमारा इंडिया का, समझ रहे हो? लेकिन उसका रीजन अलग है, रीजन अलग है। विदाउट रीजन, विदाउट सेक्शन, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, क्लियर हो गई? क्योंकि ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया है, ये इंडिया नहीं है, ये इंडिया बन गया क्योंकि ऑयल रिग लगाई आपने, इधर ऑयल रिग लगाई लेकिन इंडिया नहीं बना क्योंकि वो 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर है। इंडिया क्या है क्या नहीं है समझ में आया? इनकम क्या है क्या नहीं है वो तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, उसके रूल्स अलग अलग है। दो रूल होते हैं, सोर्स रूल एंड रेसिडेंस रूल, ठीक है, तो दो अलग अलग रूल है, पढ़ाऊंगा, टाइम आएगा तो पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना तो समझ में आना चाहिए कम से कम, क्लियर? ये मैं फिर कभी नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ऐसे बता रहा हूं, लेकिन दो चार बार मिनिमम पढ़ाऊंगा। समझ में आना चाहिए ना, याद भी तो रहना चाहिए। क्या इतना याद हो गया? तो क्या मैं आपको एक एक क्वेश्चन पूछता हूं, इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इतना तो क्लियर है? दैट इंडिया मीन्स लैंड मास, ठीक है, वॉटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, उस वॉटर के नीचे कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, वो भी हमारा है, ठीक है। इस वॉटर के और इस लैंड के ऊपर की जो हवा है, एयर, वो भी इंडियन एयर है। कहां तक सर? अनलिमिटेड, जहां तक है वहां तक। तो तुम हवा में भी पैसे कमाओगे तभी भी यहां पे टैक्स लगेगा, क्योंकि हमारा एयर है, ठीक है, इतना क्लियर है। 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर इंडिया नहीं है, लेकिन हो सकता है, कहां तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है, इफ वी इंस्टॉल अवर ऑयल रिग इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आर वी क्लियर अबाउट? श्योर, पक्का? सर, व्हाट इफ वी इंस्टॉल अवर ऑयल रिग बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, दैट इन हाई सी इंटरनेशनल वाटर्स में, दैट इज नॉट इंडिया सर, देन, ठीक है। और ये तो मतलब सुसाइड करने जैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे पायरेट्स वगैरह जो भी आपने देखा होगा ना, यहाँ पे चोरी मतलब कुछ भी हो सकता है, अटैक भी, बॉम्ब भी डाल दिया तो कुछ गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू खतरों का खिलाड़ी बनने जा रहा है। तुझे हम प्रोटेक्शन कहाँ तक दे सकते हैं? क्योंकि ये इंडिया है, तो इसके बाहर गया तेरी रिस्क है, मतलब अपने रिस्क पे गया हुआ है, तो टेरिटरी के बाहर है, हम वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। क्लियर है? पक्का? श्योर। बेसिकली इतना आपको समझ में आना चाहिए। एक और थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये जो है ना, यहाँ पे ना एक लाइन बनती है डॉट डॉट वाली, ठीक है, इसको 24 नॉटिकल माइल्स बोलते हैं, ठीक है। यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इस वाटर को कस्टम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कस्टम्स। हमारा जो है ना कस्टम्स, कस्टम तो समझते ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बात हुई थी हमारी थोड़ी सी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टाइम पे कस्टम्स लगता है हमें। वॉचमैन जो होता है बिल्डिंग का, वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, गेट पे होता है कि अंदर, घर के अंदर बैठा होता है? क्योंकि वॉचमैन या सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है?
अनऑथोराइज पर्सन अगर इंडिया में एक्सेस करना चाहे या बिल्डिंग में एक्सेस करना चाहे, उसे रोके गेट पे ही। एक्सेस करने के बाद क्या रोके? वॉचमैन घर के अंदर बैठा है सोफे पे, हाँ साहब कहाँ जाना है आपको? अरे आ गया मैं, कहाँ जाना है क्या? जहाँ जाना था वहाँ आ गया, ठीक है। तू अंदर क्या कर रहा है? हाँ, तुझे कहाँ होना चाहिए था? गेट पे। तो हमारा जो जो नेवी है ना, जो कस्टम्स का जो नेवी है, ठीक है, वो इस वाटर में घूमते रहता है। इधर इधर भी रहते हैं, लेकिन उनका जो एरिया है वो ये वाला एरिया है, कस्टम्स वाटर। ये इंडिया है क्या? नहीं। तो इंडिया के गेट के बाहर घूमते रहते हैं। ऑब्वियसली बाहर ही घूमेंगे, क्योंकि अगर किसी वेसल को मुझे रोकना है, यहाँ पे रोक के मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कहाँ पे है? फिर इंडिया में रोकना है तो मुझे इंडिया के बाहर रोकना है उसे, ठीक है। इसलिए उनके लिए एक्स्ट्रा हमने टेरिटरी बढ़ा के दी है। अब कुछ लोगों को ये 200 का मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये 200 यहां से काउंट कर रहा हूं। तू गर्लफ्रेंड को लेके यहां बैठा है क्या? नहीं। तू गर्लफ्रेंड को लेके कहां बैठा है? जमीन पे। वहां से दिखा रहा है कि यहां से 12 नॉटिकल माइल इंडिया है, उसके आगे यहां से 200 नॉटिकल माइल, हाँ, टेरिटोरियल वाटर है, ठीक है। इसका नाम है, इसका नाम भी बता दो, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो ईजी है वो बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स है, विदिन टू लाइक बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स बट विदिन 200। तो एक्चुअली ईजी जो एरिया है ना, वो हमारे TWI से, TWI मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया से, यहां से अगर यहां तक काउंट करेंगे तो 188 का होता है। समझ में आया? क्योंकि यहां से यहां तक 12 तो इंडिया ही है, और इंडिया की बॉर्डर पे खड़े रह के 180 तक काउंट करोगे तो इजी बनता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जमीन से काउंट करोगे तो कितना है? 200 का है। समझ में आया? यहां से 200 नहीं है वो। क्लियर है? ये सारे जो छोटे छोटे डाउट होते हैं मैंने सारे क्लियर कर लिए। इससे अच्छा इंडिया में नहीं पढ़ा सकता आपको, यही इंडिया है। जम्मू कश्मीर को बाहर निकाला कि अंदर ही रखा है? अगर बाहर निकाला तो मैं माइनस कर देता। सर्विस टैक्स जब मैं पढ़ाता था तो मैं माइनस जे एन के लिखता था, ठीक है। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, या तो अगर किसी लोगों को मतलब कन्फ्यूजन होगा तो प्लस जे एन के लिख सकते हो, जिनको कन्फ्यूजन है लाइफ में। आई होप किसी को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक मैंने बोला नहीं एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, तब तक तो होल इंडिया मतलब होल इंडिया। क्लियर है? श्योर? एक्सटेंड समझ में आ गया, ठीक है। अब टाइटल करके बात होती है। अब टाइटल मतलब होता है नेम। मेरे इनकम टैक्स का नाम क्या है? एक्ट 1961। ये नाम है वो भी बताना पड़ता है कि यही नाम है। सर हम इसको आईटी एक्ट नहीं लिख सकते क्या? आईटी एक्ट लिखेगा तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी होता है, नहीं लिख सकता तू। समझ में आ रहा है? इसको बोलना है तो क्या बोलना है? दी इनकम टैक्स एक्ट 1961। दी लगाना जरूरी है। क्यों दी लगाना जरूरी है? दी हम बचपन में पढ़ा होगा ना, द जो होता है हम ऐसे लोगों के सामने लगाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे आर्टिकल्स के सामने लगाते हैं जो एक ही है ना, एक ही है दुनिया में, द मून द सन। वैसे हमारे कितने इनकम टैक्स है? द इनकम टैक्स एक्ट, तो कितने सारे हैं? एक ही है, एक ही है सर। तो इसलिए मुझे इसको इज्जत से अगर बोलना है तो, ऐसे कैजुअली बोलना है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इज्जत से बोलना है तो द इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसका टाइटल है। डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा होता है टाइटल। टाइटल समझ में आया? सर टाइटल दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टाइटल लॉन्ग टाइटल। जनरल नॉलेज है, इनकम टैक्स से उसका कोई लेना देना नहीं है। सारे लॉ के स्टूडेंट बैठे यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ। दो टाइप के टाइटल होते हैं लाइफ में, लॉ में, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल। शॉर्ट टाइटल मतलब छोटा होगा, लॉन्ग मतलब बड़ा होगा। तो प्रकाश बोल दिया तो लॉन्ग टाइटल, पक्या? शॉर्ट टाइटल ना। तो ऐसा होता है क्या? निशिगंधा, निशि नी सी निशा ई, गंदा हो गया, ऐसा नहीं करना है। ऐसा अगर किया तो क्या शॉर्ट होता है? तो सर इज्जत वाला बता देता हूं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। सेबी बोला तो शॉर्ट होता है, और पूरा बोला तो लॉन्ग होता है? नहीं। सेबी लिखा तभी भी वो शॉर्ट है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लिखा तभी भी वो शॉर्ट है, हैं? तो लॉन्ग क्या होता है? बता रहा हूं, शॉर्ट टाइटल और लॉन्ग टाइटल डिफाइन होता है दो चीजों से, मतलब लॉ के नाम से कि वो शॉर्ट है कि लॉन्ग है। देखना होता है कि नाम पढ़ने के बाद क्या आपको ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है लॉ का। इफ यू रीड द नेम ऑफ लॉ एंड इफ यू अंडरस्टैंड और गेस द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, देन दैट टाइटल इज अ लॉन्ग टाइटल। आई विल गिव यू एग्जांपल, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, लॉन्ड्रिंग मतलब धोना, मनी मतलब पैसा, पैसे को धोना, प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट करना तो समझते हो, रोकना है। ऐसा जो लॉ है वो एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट।
अब कौन से मनी को धोया जाता है? नहीं, इलीगल। ब्लैक को धो धो के गोरा मत बनाओ। गांधी जी वैसे ही दिखते हैं। गांधी जी पहले भी पिंक थे, अभी भी पिंक ही रहेंगे, ठीक है, या ग्रीन होंगे तो ग्रीन ही रहेंगे, ठीक है। धोना मतलब वैसा, एक्चुअल में वॉशिंग मशीन में डाल के धोना नहीं होता। मैंने सुपारी ले ली, चिज्जू को मारा, तुम लोगों ने 2 करोड़ दिए। नहीं नहीं, चिज्जू को सर तो मैं तो फ्री में भी निपटा दू। चलो ठीक है, कोई बड़े दिलीप सर की सुपारी ले लेते। चलो दिलीप सर की सुपारी ले ली, नहीं सिलेबस खत्म होने के बाद ठीक है चलेगा। तो दिलीप सर की सुपारी ले ली 2 करोड़ रुपए की, ठीक है। अब वो मनी ब्लैक मनी भी है और वो इलीगल मनी भी है। लोगों को क्या समझ में आता है पता है? ब्लैक जो होता है वो इलीगल होता है, जो इलीगल होता है वो ब्लैक होता है। नहीं नहीं नहीं, ब्लैक ब्लैक अलग है, इलीगल इलीगल अलग है। समझ में आ रहा है? ब्लैक और व्हाइट का ऐसा होता है, ब्लैक मनी जब भी हम बोलते हैं लॉ में तो उस मनी का हमारा अंडरस्टैंडिंग होता है अनटैक्स मनी। ब्लैक मनी मीन्स अनटैक्स मनी एंड व्हाइट मनी मतलब टैक्स मनी। बाकी गांधी जी का कलर तो वही रहता है। इलीगल मनी और लीगल मनी अलग होता है। इलीगल मनी मतलब जो इलीगल रिसोर्सेज से कमाया हुआ, इलीगल एक्टिविटीज से कमाया हो गया, ठीक है। तो बैंक रॉबरी करना, मर्डर करना, सुपारी लेना, इलीगल काम करना, स्मगलिंग करना, ये सारे काम करना क्या हो गया? इलीगल मनी। पैसे कमाए हुए लेकिन इलीगल है। अब पकड़ लो, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहां से दिलीप सर को जाके बोला सर मुझे ना टीडीएस नहीं काटना है, बिना टीडीएस का, बिना इनकम टैक्स के आप मुझे पैसे दे दो, कैश में दे देना, तो पता नहीं चलेगा डिपार्टमेंट को। मैं यहाँ पे दिन भर पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और फिर जाके पैसे ले रहा हूँ, किसमें? कैश में। तो वो पैसा कौन सा है? ब्लैक मनी, क्योंकि उसके ऊपर मैं क्या नहीं भरने वाला? टैक्स। ऐसा होता नहीं लेकिन समझो रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ, ऐसा होता नहीं है, देते तो चेक में ही है, देते है तब। हाँ ठीक है, तो ऐसा है कि इसके ऊपर टैक्स भरा तो व्हाइट, नहीं भरा तो ब्लैक। लेकिन क्या इलीगल है? क्या चोरी करके लाया मैंने पैसा? नहीं। लेकिन वही अगर मैं स्मगलिंग करूं ना, और फिर अगर मैंने पैसे कमाए, तो वो ब्लैक भी है और illegal। अब इलीगल मनी को तो रख नहीं सकते हम, तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, कुछ ट्रांजेक्शन घुमा 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 के उस मनी को मैं सिस्टम में लाने का ट्राई करूंगा, बैंक में लाने का ट्राई करूंगा। सो व्हाट इज दिस प्रोसेस? लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी। मैं क्या कर रहा हूं? लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी। ये होना चाहिए क्या हमारे इंडिया में? नहीं होना चाहिए। इसलिए जो लॉ बनाए हो कौन सा है? समझ में आया सर? मैंने आपको लॉ पढ़ा है नहीं, मैंने एक भी सेक्शन नहीं पढ़ा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। वो तो आपको पीएलए में जो है प्रोफेसर वो आके पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में है, आपके सिलेबस में सीए फाइनल में है, सिलेबस में है हमारे पीएमएलए, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, लाइक पमला। तुम लोग होता ना सोगा होगा, बहुत कुछ हो गया अभी। सोगा मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट, टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, हाँ टोपा, फिर होता है सोगा होता है, फिर रागा भी होता है, ठीक है, क्या क्या होता है? रागा सुना है? राहुल गांधी पागल जाने दो, ठीक है। रागा नमो होता है ना, उनका टफ चलता है, रागा वर्सेस नमो, ठीक है। तो जो भी है आप समझो, ऐसे शॉर्ट में हम बोलते हैं। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का पर्पज आपको समझ में आ रहा है? मैंने बोल दिया मिनिमम बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ मिनिमम बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट। आपको पर्पज समझ में आ रहा है कि इतना कम से कम वेजेस देना ही है, ठीक है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंक्स को रेगुलेट करने आया हुआ जो एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। आप समझते हो, अगर लॉ का पर्पज आपको समझ में आता है नाम पढ़ के, तो वो टाइटल लॉन्ग टाइटल है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट क्या पर्पज के लिए है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट। पर्पज नहीं समझ में आता अगर नॉम में से, कंपनीज एक्ट 2013 क्यों आया? कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने, रेगुलेट करने, बंद करवाने, पर्पज नहीं पता। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम को टैक्स करने आया हुआ है, एग्जेम्प्ट करने आया हुआ है, रेगुलेट करने आया हुआ है, नहीं समझ में आता। सर्विस टैक्स एक्ट नहीं समझ में आता नाम, आप समझते हो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट। पर्पज नहीं समझ में आ रहा सर, ऐसा कोई वर्ड अगर होगा ना प्रिवेंशन रेगुलेटरी, तो समझ में आता है कि हाँ 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 सर, ये रेगुलेट करने आया हुआ है, ये कंट्रोल करने आया हुआ है, प्रिवेंट करने आया हुआ है, ठीक है, ये मिनिमम सिक्योरिटी देने आया हुआ है। तो ऐसे लॉस को हम लॉन्ग टाइटल बोलते हैं। तो मेरा टाइटल शॉर्ट है कि लॉन्ग है? क्योंकि मुझे पर्पज नहीं समझ में आता, फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं आता। हम करते बहुत कुछ है, यहाँ पे लिखा नहीं, खाली इनकम टैक्स लिखा हुआ है। कोई बोलेगा नहीं सर तू टैक्स ऑन इनकम, बेटा इसमें बहुत सारी चीजें होती है, अभी धीरे धीरे पता चलेगा तुझे, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं लिखी गई है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो टाइटल हो गया. एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी मतलब कौन से दिन से एप्लीकेबल होगा, जीएसटी कब से एप्लीकेबल हुआ, 1 जुलाई 2017. कहां लिखा होगा, उसके सेक्शन 1 में लिखा होगा. वैसे इनकम टैक्स कब से एप्लीकेबल हुआ है सर, 1 अप्रैल 1962. चुना लगाया होता है, लॉ आया 61 में, एप्लीकेबल हुआ 62 से. अगर उसका रीजनिंग आप अगर देना चाहूं, मैंने आपको बता दिया मेरा जो लॉ होता है वो असेसमेंट ईयर पे लगता है. तो पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा, 61 62. तो पहला असेसमेंट ईयर क्या होगा, हाँ, तो इसलिए 62 का मेरा एप्लीकेबिलिटी है. तो लॉ आया कब, 61 में, लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ है, कंपनीज एक्ट के साथ भी ऐसे हुआ है. बहुत सारे प्रोविजन आया लॉ 2013 में, लेकिन बहुत सारे प्रोविजंस का आप अगर इफेक्टिवली देखोगे, WEF लिखा होता है ना, W.E.F विथ इफेक्ट फ्रॉम 2014 दिखेगा आपको. आया 2013 में लेकिन एप्लीकेबल कब हुआ है, 14 में. समझ रहे, क्योंकि तभी दोनों लॉ थे, पैरेलल चलता था, 13 भी है और 1956 भी था, 2013 दोनों लॉ थे. 14 से क्या हो गया, 1950 से पूरा निकाला गया और पूरा पुश किया गया 13 को. क्लियर है, इसलिए मैक्सिमम प्रोविजन जो है 1 अप्रैल 2014 से लगे हुए हैं, कंपनी 2013 के. क्लियर है, तो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट होता है. अब तुम्हारे लिए जो नया लॉ है उसका डेट आपको याद रखना है, इसका नहीं रखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन जनरल नॉलेज के लिए रखोगे तो भी चलेगा. तुम्हारे तो एमसीक्यूज में आ भी सकता है कि इनकम टैक्स कब से आया हुआ है, जब ऑब्वियस आंसर क्या आता है, 1961, और ऑब्वियस आंसर है नहीं इसलिए याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका वियर्ड आंसर है 1962 में आया, तो याद भी हो जाएगा कि ऐसा लॉ है जो आया 61 में लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962. तो इसका सेक्शन का नाम क्या है, सेटा. कुछ लोग मुझे चिढ़ाते इस नाम से, सीता सीता, क्योंकि मेरा नाम, ठीक है, तो तो याद रख पाओगे क्या, हाँ, सेटा. क्या बोलना है इसको, अब सेटा हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअली इसका नाम क्या है, क्या क्या कवर करता है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव. खाली स्कोप नहीं, मैं लिखता स्कोप हूं लेकिन ये कवर क्या करता है, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव, एक्सटेंड, टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी. आई होप मेरी इनकम टैक्स के बारे में मैंने बता दिया और बाकी लॉस के बारे में भी जनरल आइडिया दे दी. तो आप कोई भी लॉ का अब से लाइफ में आगे सेटा जब पढ़ोगे ना, सेक्शन 1 जब पढ़ोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स. मेरा काम है आपको लॉ समझने लायक बनाना, ठीक है, और धीरे धीरे बन जाओगे, ठीक है. क्लियर है, सेक्शन 1 क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं लाइफ में सेक्शन 1 के साथ, वेरी गुड. उसके बाद का सेक्शन नंबर गेस कर सकते हो, माय गॉड, इंटेलिजेंट लोग. आज मैं मम्मी को जाके अपना मुंह दिखाऊंगा, खुशी खुशी बताऊंगा कितने इंटेलिजेंट बच्चे मिले आज मम्मी. सेक्शन 2 में हमेशा क्या होता है, सर ये डेफिनेशन क्या होता है, किसी को पता है डेफिनेशन, किसी चीज को हम डिफाइन करते, कौन सी चीज को सेक्शन 2 में डिफाइन किया होगा, जो एक्ट में हम आगे यूज करने वाले हैं वर्ड्स को, ठीक है. तो एक्ट में आगे लिखा है पर्सन, आगे जाके लिखा है इनकम टैक्स, इसके ऊपर अप्लीकेबल होता है. सर ये पर्सन कौन होता है, वो डेफिनेशन में होगा, ऑब्वियस सी बात है. सर पर्सन तो हमारे हिसाब से तो मतलब एक कुत्ता पर्सन होता है क्या, होता है, हमारा हिसाब से क्या चलता है, इनका चलता है ना. तो साईं बाबा की मूर्ति है, बेटी है एसीसी शिरडी में, क्या वो पर्सन है, सर सर पाप लगा आपको, पर्सन बोलते अपने भगवान है, वो पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे, पर्सन है, बस पर्सन है, बेटे बेटे पैसे कमा रहे, टैक्स तो भरना पड़ेगा भाई. सर क्यों भरना पड़ेगा टैक्स, भगवान से टैक्स ले रहे हो, भगवान इधर है नहीं, गॉड करके कुछ डिफाइन नहीं किया है, क्या डिफाइन किया गया है, और पर्सन पैसे कमा रहा है, बस दो चीजें होनी चाहिए, पर्सन होना चाहिए, वो पैसे कमाना चाहिए, हम क्या लेंगे, तो हम भी खुश है, वो भी खुश है, सब खुश है, जो पैसे दे रहा है वो देके खुश है, वो बेटे बेटे ले रहे हैं उधर वो खुश है लेके, हम उसका थोड़ा सा बस 30% हम भी खुश रहे ना, गवर्नमेंट भी खुश रहे, ठीक है, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है. सर क्या कुत्ते भी पैसा कमाते हैं, हाँ हाँ कमाते हैं, काम करते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, पखरू हो गया, और कौन सा, वोडाफोन का कुत्ता हो गया, वोडाफोन का कुत्ता तो वर्ल्ड वाइड मतलब हिट है, बाकी तो अपनी जो मूवीज के नाम जो लिए है वो तो डोमेस्टिक लेवल के भी फेमस है, आए मूवी चले गए, लेकिन वोडाफोन का डॉग तो इंटरनेशनली फेमस हुआ है वो, ठीक है, कितने पैसे लिए रहेंगे उस कुत्ते ने कुत्ता कहीं का इतने कमा लिए उसने, हाँ लेकिन क्या है, कमा लिए ना, अगर वो डॉग
हाँ पैसे भी आपके होते, आप यहाँ पे होते क्या फिर? नहीं नहीं सर, हम तो वोडाफोन उसको लेके घूमते, उसको म्यूजियम में रखते, उससे क्या क्या नहीं करवाते हम लोग, ठीक है, वो जो मांगता वो दे देते, ठीक है, क्योंकि करोड़ों कमा के दिए उसने, ठीक है, और क्योंकि उसने करोड़ों कमाए हुए हैं, कुछ ज्यादा ही वाइब्रेशन नहीं पूरा क्या इसको? एक मिनट है, मैं इसको साइलेंट कर देता हूँ। और अगर डॉगी भी कुछ पैसा कमाता है तो उसको भी हमने पर्सन के डेफिनेशन में कवर किया हुआ है, क्योंकि हमारा डेफिनेशन उतना वाइड डेफिनेशन है, ठीक है, हम उतना डिफाइन करके रखते कि इस दुनिया में कोई भी कमाए। मैं तो बोलूं जादू जो आया था ना, कोई मिल गया मैं, अरे धूप धूप हम टैक्स टैक्स तो धूप का 30% जमा करके जा भाई। हाँ, मैं तो ऐसे जाने नहीं देते उसको, ठीक है। तो इंडिया में पैसे कमाए, बिल्कुल एकदम सिंपल रूल है, आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा। डेफिनेशन कौन से सेक्शन में लिखी जाती है? सेक्शन टू। सेक्शन टू में उन वर्ड्स को डिफाइन किया जाता है, द वर्ड्स विच आर बीन यूज इन माय होल एक्ट, ठीक है। तो सारे एक्ट में जो जो वर्ड यूज किए गए हैं, गुड्स का हो गया, इमोबल प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, प्रीवियस ईयर यूज किया गया है, असेसमेंट ईयर यूज किया गया है, असेसी वर्ड यूज किया गया है, पर्सन यूज किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज यूज किया गया है, देयर आर प्लेंटी ऑफ डेफिनेशंस जिसको यहाँ पे डिफाइन करें। आगे जो भी वर्ड यूज किया लॉ में उसका मीनिंग यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो क्या सर हर एक वर्ड का मतलब लिखा होगा? अ लिखा है लॉ में आगे ए, तो क्या अ को डिफाइन करके चलेंगे? अ मतलब ऐसा होता है? नहीं, हर वर्ड को नहीं डिफाइन करते। तो सर हर वर्ड को अगर डिफाइन नहीं किया होगा और मुझे अगर उस वर्ड का मतलब ढूंढना है तो मैं क्या करूं? हाँ, डिक्शनरी यूज करो। नहीं, डिक्शनरी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिक्शनरी में भी 50 मतलब निकलते हैं और लॉ में हम ज्यादा एक से ज्यादा मतलब निकलने वाली स्टेटमेंट को नहीं लिख सकते। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करके जो चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सीए फाइनल में और आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि लॉ लिखने वाले लोग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, ड्राफ्टमैन जिनको बोलते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं इस प्रोविजंस को, कि उस प्रोविजन को आप और किसी भी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई करो, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। आपने उसमें कि थोड़े भी वर्ड अगर रिप्लेस किए ना, एक दो वर्ड भी अगर रिप्लेस किए उस स्टेटमेंट में का, इट विल चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। कॉमा भी चेंज भी होता है, वो बात की थी ना हमने, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको कॉमा मत जाने दो, बात की थी ना हमने, की थी ना, बताया था ना। तो एक कॉमा चेंज कर देता है क्या मीनिंग को सर? बिल्कुल कर देता है, ठीक है। वो भी बताया था ऑल एनिमल्स आर और फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मेंबर्स को एनिमल्स की तरह ट्रीट करना है कि एनिमल्स को फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट करना है, वो तो लॉ में नहीं लिखा है। उसको इंटरप्रिट करने के लिए कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो कोर्ट के जो अभी तक के जो जजमेंट है उसके हिसाब से बता रहा हूं, अगर मेरे लॉ में किसी वर्ड को डिफाइन नहीं किया गया तो हम पहले जाते सिस्टर लॉ में या पेरेंट लॉ में। पैरेंट लॉ मतलब इसका पैरेंट लॉ तो कोई ही नहीं, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकम टैक्स का पैरेंट लॉ डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पैरेंट लॉ अगर होगा तो पैरेंट लॉ में देखते हैं, पैरेंट लॉ नहीं होगा तो सिस्टर लॉ में देखते हैं। सर पैरेंट लॉ में भी वो मीनिंग नहीं है, सिस्टर लॉ में भी वो मीनिंग नहीं है, ठीक है, और कोई कोर्ट ने उसको डिफाइन भी नहीं किया इसके पहले। तो हमारी इंडिया में एक ऐसा एक्ट है जिसका काम है खाली डेफिनेशन देना, और उस एक्ट का नाम है जनरल क्लॉज एक्ट। हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में है, लेकिन हम हमारे सिलेबस में उसको कैजुअली रेफर करते चलते हैं, जनरल क्लॉज एक्ट। नाम ही समझ में आ रहा है, जनरल क्लॉज एक्ट। जो क्लॉज यहां पे डिफाइन नहीं किया गया उसका अगर आपको जनरल मीनिंग ढूंढना है तो कौन से एक्ट में चले जाओ? जनरल क्लॉज एक्ट में चले जाओ। जनरल क्लॉज एक्ट का एक रेफरेंस देने के लिए आपको बता रहा हूं, लॉ में जो लॉ की जो लैंग्वेज लिखी जाती है ना, वो ही के लैंग्वेज में लिखी जाती है। ही मतलब मेल वर्जन लिखा जाता है स्टेटमेंट का। तो असेसी शुड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, अदरवाइज ही विल बी लायबल फॉर पेनाल्टी। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या नहीं लिखा उन्होंने? शी और इट नहीं लिखा। और भी दो पर्सन होते हैं ना, शी भी होती है और इट कंपनी होगा तो इट होता है। क्लियर है यहां पे? दूसरी मतलब अगर ऐसे में नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मैंने रिटर्न नहीं भरा तो ही विल बी लायबल फॉर पेनाल्टी, मतलब मुझे पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर इन्होंने रिटर्न नहीं भरा तो इसको पेनाल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि ये ही नहीं है, ये शी है, और लॉ में ही स्लैश शी नहीं लिखा है। मैंने क्या बोला? इरेशनल आर्ग्यूमेंट कोर्ट बोलोगे सर ऐसा थोड़ा क्या होता है।
कोर्ट में ऐसी ऐसी ही बातें होती है कि सर शी लिखा है क्या वहां पे? नहीं, शी नहीं लिखा गया, इसलिए खाली जो मेल एसएससी है कंट्री के उनके लिए प्रोविजन लिखा हुआ है, जो फीमेल एसएससी है उनके लिए प्रोविजन नहीं लिखा गया। तो कोर्ट आपको समझाएगा, नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, जनरल क्लॉज एक्ट के हिसाब से ही इंक्लूड शी। जनरल क्लॉज एक्ट में जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा गया है ही इंक्लूड्स, बट शी डजंट इंक्लूड ही। ये बुरा हो गया अपने साथ। लेडीज अपने डब्बे में चढ़ सकती है, हम लेडीज डब्बे में, क्योंकि अपना डब्बा करके कुछ होता ही नहीं है रे, जनरल होता है वो तो। ऐसा सुना है जेंट्स ट्रेन होता ही नहीं, या तो जनरल ट्रेन जाता है या लेडीज स्पेशल जाता है। तो स्पेशल क्लॉजेस जो लॉ में लिखे जाते हैं वो फीमेल के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन जो मेल के लिए क्लॉजेस लिखे गए हैं वो मेल को भी एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन लिखते ही के एंगल में। समझ में आ रहा है? बिल्कुल, मैं अपोज करता हूं इस चीज को, लेकिन क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक बात, सिंपल सी बात है, ठीक है, लेडीज मतलब डिस्क्रिमिनेशन मेल फीमेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताओ? मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन कंट्री में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव। मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं। मेजोरिटी लोग तो बोल रहे हैं ना नहीं होना चाहिए, तुम लोग बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब उनका नहीं होना चाहिए बोलने का तरीका अलग है, वो तुम्हारा बोलने का पर्पज अलग है, ठीक है। उन्हें कुछ एडवांटेज चाहिए इसलिए वो बोल रहे कि नहीं होना चाहिए, और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इसलिए बोल रहे नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ, मेट्रो ना, आप कंट्री किसी भी कंट्री में चले जाओ, जितना मैंने मूवीज वगैरह में देखा हुआ है, बाकी किसी कंट्री में तो नहीं गया, लेकिन मेट्रो में फीमेल के लिए कोई रिजर्व्ड कोच नहीं था, नहीं है। हमारी मुंबई मेट्रो जब लॉन्च हुई उसमें भी लेडीज कोच करके नहीं था, क्योंकि वो तो मेट्रो स्टेट होती है। फिर हो गया, और हद क्या हो गई है, प्लेटफॉर्म को भी पिंक बना दिया उन्होंने। चलो अग्री, होना चाहिए। फीमेल्स हमारे कंट्री के थोड़े अंडर प्रिविलेज रह चुके हिस्ट्री में, अभी नहीं, कुछ उन्होंने स्ट्रगल निकाले, इनके जो एंसेस्टर्स होंगे उन्होंने बहुत स्ट्रगल निकाले हुए, तो इनको आज बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोविजंस का। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, अगर लेडीज कोच रिजर्व है तो लेडीज को उधर जाना चाहिए ना यार। वो खाली रहता है सुबह का, और कुछ लड़कियां यहां पे बैठी रहती है जनरल कोच में, और हम खड़े रहते हैं ऐसे, और लेडीज खाली है पूरा, ठीक है। ऐसा भी होता है, देखा है तुम लोगों ने, ऐसे कभी ऑब्जर्व किया है? मुंबई में ऐसा होता है, बहुत बार होता है। अब रीजन कुछ भी हो यार, ठीक है, सर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, कभी कभी तो अकेले रहते फिर भी आ जाते हैं नॉर्मल कोच में, क्योंकि इनको क्या, इनके माइंड में क्या सेट हो चुका है, ये तो हमारा है ही, वो भी हमारा है, ठीक है। तो हमारा करके तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। दूसरी, वॉशरूम की अगर बात करूं, अगर नहीं, वॉचरूम अलग अलग होने चाहिए लेकिन बात कर रहा हूं डिसेंसी की। अगर हम बॉयज लोग अगर एक वॉशरूम में खड़े हैं, ठीक है, जो भी है, और अगर गलती से एक लेडीज अंदर आई, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? क्या तुम लोग चिल्लाओगे? कुछ नहीं, मैं तो बोलूं जितने बॉयज खड़े ना, शांति से बाहर चले जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, शर्म के मारे बाहर चले जाएंगे, ठीक है, या तो जहां जहां पे जा सकते हो वहां वहां पे जाएंगे। लेकिन तुम अगर गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस जाओ, गलती से इंटेंशनली नहीं, ओ माय गॉड, एक तो चिल्लाएंगे बिना मतलब का, जैसे क्या एलियन आ गया, ह्यूमन बॉडी कभी देखी नहीं, और क्या ऐसा क्या होता है वॉशरूम में, रखो कॉमन रखो ना, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अगर नहीं होना तो अरे डेवलप बन जाओ ना, रिमूव ऑल डिस्क्रिमिनेशंस। ये क्या सर, खाली बेनिफिट हमारे लिए रिजर्व होने चाहिए, बाकी हाँ हमारा लेडीज स्पेशल होना चाहिए, लेकिन हाँ वो जेंट्स स्पेशल ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कंट्री में, या तो उनका जो डब्बा है वो उनका खास हो गया, वो तो जनरल है, उसमें तो हम जा ही सकते हैं, ठीक है, और लेडीज में वो लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब लेडीज कोच की भी आप बात करो कि हम अगर लेडीज कोच में चले जाएंगे तो मारते हैं लोग, मतलब कुछ लोग जो गाँव वगैरह से आते हैं उनको नहीं पता होता कि ऐसा लेडीज करके भी कोच होता है अलग से, ठीक है, और या तो लेडीज ट्रेन होती है, जो नए मुंबई में आते हैं उनको नहीं पता होता है सब, गलती से चढ़ जाते, बेचारे लोगों को मारा मारते हुए देखा है, ठीक है।
और कोई लेडीज अगर कभी हमारे जब डब्बे में आ जाएगी तो हम मारते हैं क्या? हम तो डिसेंसी मतलब साइड होके भाई बैठने के लिए जगह दे सकते हो, बैठने की जगह है तो खड़े रहने की तो जगह दे ही देते हैं। डिसेंसी होती है हम लोगों में, तुम लोगों को नहीं पता। हाँ, लॉ हमारे लिए बनना चाहिए, लॉ तुम्हारे लिए नहीं बनना चाहिए। लेकिन फिर भी लॉ क्या बोलता है? ही इंक्लूड्स शी बट शी डजंट इंक्लूड्स, मतलब जहां पे लॉ में शी के लैंग्वेज में वर्डिंग लिखी गई है ना, वो एक्सक्लूसिवली शी के लिए एप्लीकेबल होती है, वो ही के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। जैसे मैटरनिटी एक्ट हो गया, मैटरनिटी एक्ट बना है किसके लिए गया है? फीमेल के लिए। तो क्या तू जाके कल बोलेगा मुझे मैटरनिटी के लिए चाहिए? नहीं। मांगने नहीं। मैटरनिटी लीव खाली लड़कियों को होती है, ठीक है। हाँ, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो सकती है, आप बाप बनने वाले हो, अच्छी बात है, लेकिन तू छुट्टी लेके 4 महीने घर पे नहीं मत दे। हाँ, ठीक है, तुझे काम करना पड़ेगा। तो ऐसी सारी बातें, डिस्क्रिमिनेशन है आज भी कंट्री में, ठीक है। इनकम टैक्स में भी था, 2012 तक था, फ्रॉम 2012 दे आर ट्राइंग टू रिमूव ऑल डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। एटलीस्ट पहले फीमेल का जो स्लैब था ना वो अलग था और मेल एसेसिस का स्लैब अलग था, 180 हमारे लिए बेनिफिट था जबकि फीमेल्स के लिए 2 लाख का बेसिक एग्जम्पशन था। आज आप मेल हो, फीमेल हो या अदर्स हो, 2.5 सबके लिए क्या है, सारी ह्यूमंस के लिए 2.5 का स्लैब है। तो कम से कम यहां से वो डिस्क्रिमिनेशन रिमूव हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। पहले जो था अननेसेसरी ना यार, मतलब क्यों लड़कियों को, क्यों मतलब लड़कियां कमारी तो उनका 2 लाख एग्जम्प्ट और लड़के कमारी तो हमारा 180 एग्जम्प्ट, क्या पाप किया हमने? हम भी 20,000 दे दो या तो उनका 20,000 कम करो। हमें प्रॉब्लम इस टैक्स भरने से नहीं है, हमें प्रॉब्लम है कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ठीक है। देना है तो सारे बेनिफिट सारे लोगों को दो यार, ठीक है। तो ऐसी बातें होती है। तो डेफिनेशन में क्या क्या होता है आपको समझ में आया? डेफिनेशन में डेफिनेशन होती है और कुछ नहीं होता। लॉ डेफिनेशन में नहीं होता, लॉ तो लॉ में ही होता है, लॉ तो इसके बाद चालू होता है। लॉ में जो वर्ड यूज किए गए उनको डिफाइन किया जाता है डेफिनेशन में। अब डेफिनेशन 2 टाइप की होती है, मैं बता रहा हूं आपको मेरे हिसाब से, होती तो बहुत सारे टाइप की है लेकिन जो मैं बहुत सेल्फिश बंदा हूं, ठीक है, मुझे जो चाहिए उतना ही पढ़ाऊंगा आपको, क्लियर है। तो 2 टाइप की डेफिनेशन होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ डेफिनेशन पॉजिटिव होती है तो कुछ नेगेटिव होती है। कुछ लोग जैसे पॉजिटिव होते हैं और कुछ होते रहेंगे, ठीक है। और कुछ होता है इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एक एक्सक्लूसिव भी होता है लेकिन वो नहीं पढ़ाता मैं खाली क्या पढ़ाता हूं, इंक्लूसिव और सर ये क्या है आपको डेफिनेशन जब पढ़ाऊंगा तभी समझा पाऊंगा मैं, लेकिन खाली इतना समझो, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको कि जो पॉजिटिव डेफिनेशन होती है ना वो कंप्लीट डेफिनेशन होती है और जो नेगेटिव डेफिनेशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है। जैसे मैं बताऊं हमारे इनकम टैक्स में ना 2 टाइप के डेफिनेशन हमें बहुत काम होते हैं। पर्सन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में रहते हैं और नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहते, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला जो इंडिया के बाहर रहते हैं, आप समझो मैंने क्या, मुझे क्या बोलना है। नॉन रेसिडेंट मतलब जो इंडिया में नहीं रहते। अब इन्होंने कैसे बोला है, रेसिडेंट का पूरा 1 पेज का डेफिनेशन दिया हुआ है कि हु कैन बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट का अगर डेफिनेशन देना होता तो 50 पेज का लग जाता। पर्सन हु स्टेज इन कैनेडा, पर्सन हु स्टेज इन यूएसए, पर्सन हु स्टेज ना सारे कंट्रीज का नाम लिखना पड़ता क्योंकि वो लोग वहां रहते तो यहां नहीं रह रहे। इन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने क्या बोला, डेफिनेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट ऐसे लिखा हुआ है, अ नॉन रेसिडेंट इज अ पर्सन हु इज नॉट रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन अदर देन रेसिडेंट इज अ नॉन रेसिडेंट। पर्सन अदर देन रेसिडेंट इज अ, तो आपको समझ में आया कि कौन रेसिडेंट है कौन नॉन रेसिडेंट है? नहीं, इतना समझ में आया जो रेसिडेंट है वो नॉन रेसिडेंट नहीं है। तो ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाती है। टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन यू हैव टू जंप टू अनदर डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ रेसिडेंट तुम्हें समझना क्या है, नॉन रेसिडेंट, लेकिन तुम्हें नॉन रेसिडेंट समझने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन है। अब रेसिडेंट की डेफिनेशन में तुम चले गए, पर्सन अदर देन नॉन रेसिडेंट इज अ रेसिडेंट। ऐसा हो सकता है क्या, मजाक? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लॉ में 2 साइमल्टेनियस नेगेटिव डेफिनेशन नहीं होते। अगर एक नेगेटिव है तो सेकेंड वन हैज टू बी अ पॉजिटिव वन। एम आई क्लियर? पक्का? या इंक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव को पहचानते कैसे वही बता देता हूं। मीनिंग क्या है वो तो लॉ में ही समझा पाऊंगा मैं। ये जो मीनिंग, ये जो चालू है ना, इंक्लूसिव डेफिनेशन जो चालू होती है ना वो ऐसे चालू होती है, पर्सन इंक्लूड्स, जो पहला वर्ड होगा ना वो क्या होगा, इंक्लूड्स, इंक्लूड से चालू होगी। और जो एग्जॉस्टिव होगी ना, एग्जॉस्टिव, वो मीन्स से चालू होती है, मीन्स, प्रीवियस ईयर मीन्स,
असेसी मींस, समझ में आ रहा है? जो मींस से मींस वर्ड से चालू होती है डेफिनेशन, उनको कौन सी बोलते हैं? एग्जॉस्टिव. और जो इंक्लूड से चालू होती हो, सर ये यूज होता है क्या? बहुत. अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ के लिए बहुत यूज होता है. वैसे तो तुम्हारे लिए क्या, मींस लिख दो, इंक्लूड लिख दो, मतलब लिख दो, कुछ भी हो जाओ, ऐसा नहीं है. मैं क्या बता रहा हूँ, आपका अभी अप्रोच चेंज होना चाहिए. मैंने आपको बहुत बार बोला इसके पहले भी, अभी तक आप ऑर्डिनरी थे, अभी से आप क्या बनने वाले हो? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हर दिन आपको कुछ तो सीख के जाना है, हर दिन आप में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होनी है. एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडिशन. ठीक है, इतना डिटेल में बोलने की जरूरत है नहीं, शायद समझोगे आपका फाइनल होते होते. लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपका फाइनल होते होते आपको यह समझ में आए कि साला डेफिनेशन की भी टाइप होते हैं. आप डे वन पे समझो, एक भी लॉ पढ़ने बिना समझो कि ऐसा भी होता है. तो जब डेफिनेशन पढ़ने जाओगे, आपका माइंड इतना अलर्ट होना चाहिए, अच्छा ये मीन से चालू हुआ है, एग्जॉस्टिव है, अच्छा ये इंक्लूड से चालू हुआ है, इंक्लूसिव है, अच्छा ये डेफिनेशन समझने के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ रहा है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव है तो उसका दूसरा होना ही चाहिए. ठीक है, इतना तो मिनिमम समझ में आना चाहिए. क्लियर है? अलर्ट रहने के लिए बता रहा हूं, और कुछ नहीं. उसके बाद जो थर्ड सेक्शन है ना, पहले वो समझो क्या होना चाहिए था, जो है नहीं, एक्चुअल में नहीं है. जो मेरा थर्ड सेक्शन है ना लॉ में, जो थर्ड सेक्शन होता है, कोई भी लॉ की बात कर रहा हूं जनरल सेंस में, वो मेन सेक्शन होता है, मेन बैकबोन होता है उस लॉ का. क्योंकि पहला तो मजाक मजाक में चला गया, वो तो स्कोप बताता है, जनरल बातें करता है. ठीक है, सेकेंड तो क्या देता है? डेफिनेशन. तो अभी तक तो लॉ चालू नहीं हुआ. लॉ जो चालू होता है, कौन सा सेक्शन चालू होता है? थर्ड. अब तुम लॉ मेकर हो, थर्ड मुझे बताओ यूजलेस सेक्शन लिखोगे कि मतलब जो इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे लॉ में? तो पूरे लॉ में 50 सेक्शन लिखने आप लोगों को. जो पहला सेक्शन लिखोगे, पहला मतलब इंपॉर्टेंट की, वन और टू निकाल दो, जो इंपॉर्टेंट लिखना होगा वो पहला लिखोगे कि लास्ट में लिखोगे? ऑब्वियसली अगर तुम लॉ मेकर होते तो यही करते ना, सिक्वेंस वाइज अगर मैं अरेंज करने बोलता तो जो पहला सेक्शन होगा वो तुम लोग उस लॉ का जो कोर सेक्शन होगा वही लिखोगे, राइट? रेवेन्यूज लॉज में वो जो कोर सेक्शन जो होता है ना, उसको चार्जिंग सेक्शन बोलते हैं. चार्जिंग, चार्ज मतलब चार्ज. तो इनकम टैक्स का चार्ज किसके ऊपर है, किसको पकड़ता है इनकम टैक्स? ठीक है, वो जो सेक्शन होगा वो चार्जिंग सेक्शन होगा. एक जीएसटी में पढ़ेंगे, एक्साइज में पढ़ेंगे, कस्टम में पढ़ेंगे. तो चार्जिंग सेक्शन मतलब किसके ऊपर चार्ज है इस लॉ का, मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी जो तू करेगा उसके बाद तुझे क्या भरना पड़ेगा टैक्स, वो जहां पे लिखा होता है वो चार्जिंग सेक्शन होता है. आर वी क्लियर अबाउट चार्जिंग सेक्शन? इतना क्लियर है? चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए था कौन सा? थ्री. लेकिन है नहीं, होना चाहिए था है नहीं. उसका क्यों लॉजिक है सर? क्योंकि फोर है, थ्री नहीं है, तो कौन सा है? बाद में लिखा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? बता रहा हूं होना चाहिए था, है नहीं. तो चार्जिंग सेक्शन कौन सा है मेरा? ये क्या है? चार्जिंग सेक्शन. चार्जिंग सेक्शन मतलब बैकबोन ऑफ इनकम टैक्स. मार्क माय वर्ड, आपको ना बीकॉम एमकॉम में बताएंगे भी नहीं कि सेक्शन 1, 2, 3, 4 करके है, नहीं बताते लोग. मेन सेक्शन जो है फोर है, और वही नहीं बताएंगे आपको कि सेक्शन फोर करके इस दुनिया में कुछ होता है. क्योंकि एग्जाम में सेक्शन फोर के ऊपर आउटराइट क्वेश्चन नहीं आता, और आपको बाकी एग्जाम में उतना ही पढ़ाया जाता है जितना एग्जाम में आता है. लेकिन अगर आप सेक्शन फोर नहीं समझोगे, मतलब बैकबोन नहीं समझोगे, बाकी पूरा बॉडी समझ लिया आपने, क्या मतलब है फिर? स्टार्ट करो बैकबोन से समझना, पहले मेन कोर समझो, उसके बाद ब्रांचेस बनते जाएंगी. कोर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वही टारगेट है मेरा कोर समझाने का. कोर समझा के आपको थोड़ा ब्रेक दे दूंगा सांस लेने के लिए, ठीक है, तब तक मत लो. चार्जिंग सेक्शन जो है सर, थ्री में क्यों ब्लैंक की छोड़ा है? जरूरत है ब्लैंक छोड़ने की, वो समझने के लिए फोर पहले पढ़ाना पड़ेगा. टोटल इनकम, तो क्या टैक्सेबल होता है इंडिया में? एक एक वर्ड समझा रहा हूं आपको मैं. इंडिया में क्या टैक्स होता है? मैंने बोला इनकम. कौन सा इनकम? सर टोटल मतलब, टोटल मतलब, हाँ ऑल सोर्सेस, सब 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 सारा इनकम. मतलब सर ये इनकम लीगल हो सकता है? हाँ हाँ, क्या इलीगल भी हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं? क्या लिखा है यहाँ पे? टोटल लीगल इनकम लिखा है क्या? लिखा क्या है सर? टोटल मतलब क्या? अरे टोटल मतलब राजा पूरा, पूरा ना मतलब. टोटल क्या मतलब क्या होता है? पूरा जो भी होता है. तो मैंने क्या बोला? लीगल इनकम है. हाँ, इलीगल? हाँ हाँ बिल्कुल. सर सैलरी से कमाया तो टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि टोटल इनकम में सैलरी भी तो आता होगा. सर रेंट कमाया तो बिल्कुल आएगा. सर बिजनेस करके कमाया तो? सर चोरी कर ली मैंने? अरे नहीं, क्यों? मैंने बोला कि चोरी बाहर निकाली क्या? इनकम तूने कमाया ना, तू खुश है ना? तेरे साथ और एक बंदा खुश है, गवर्नमेंट 30% हमें मिलेगा. तुझे लॉटरी लग गई आज,
खुश? अरे थोड़ा फील करो, लॉटरी लगी 1 करोड़ बम्पर ऑफर, बहुत खुश हो गए सर। और एक बंदा खुश हो, हाँ हाँ 30% हमारा है, तुझे एक लिखा हमारा तो मतलब हमारा तो कितना अच्छा भाग्य कि तुम इंडिया में हो, 30% दे दो और बाकी 70 रखो, समझ रहे हैं? तो सर कौन सा इनकम? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम का भी कोई मतलब होता है क्या? बाबा वही तो पढ़ाना है कि टोटल में क्या क्या आता है या क्या क्या नहीं आता, उसके लिए सेक्शन लिखे हुए, लेकिन इतना तो समझ, चार्ज किसके ऊपर है? टोटल। तो जो टोटल के अंदर जाएगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और जो टोटल के अंदर नहीं जाएगा टैक्स नहीं लगेगा। एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्रीकल्चर इनकम टोटल इनकम में नहीं जाता, इसका क्या मतलब होता है? एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं। एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारा इनकम है कि नहीं? टमाटर बेचते हो तुम लोग, बेचना ट्रेडर नहीं हो, बना के बेचते हो, फार्मर हो, इनकम होगा कि नहीं होगा? टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्यों नहीं है? क्योंकि वो टोटल इनकम नहीं है, ऐसा इसका रीजनिंग है। बोलने के लिए तो मैं भी बोल सकता हूं एक लाइन में, टोटल इनकम एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट इन इंडिया, मुझे वो नहीं बताना है। मुझे बताना है आपको एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है। जो चीज इस टोटल इनकम में नहीं जाती उसे एग्जम्प्ट बोला जाता है। एंड लॉजिक देखो क्या है, अगर ये टोटल इनकम बना हो, रिसिप्ट जो है आपके हाथ में आई है, अगर वो टोटल इनकम बना तो टैक्स लगेगा, और रिसिप्ट अगर टोटल इनकम नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। टोटल इनकम का ये मतलब नहीं होता कि बैंक अकाउंट में जो जो क्रेडिट है वो पूरा टोटल इनकम। तो तुम्हारे फ्रेंड ने आज 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर किए, कल फिर से ले लिए, क्या टैक्स भर दोगे 10 लाख के ऊपर? नहीं, वो तो खाली लोन में, सर लोन दिया था, बैंक से लोन ले लिया 50 लाख रुपए का होम लोन, क्या इनकम है आप लोगों का? पैसे आना मतलब इनकम नहीं होता। ऐसे होता तो जो बैंक का बैंक कैश मैनेजर होता है वो करोड़पति होता, उसके पास तो रोज पैसे आते हैं, रोज काउंट करता है। कितना दर्द होता है पता है किसी और का पैसा काउंट करना? उससे बड़ा पेनफुल लाइफ में कोई काम नहीं हो सकता। कभी बैंक कैशियर ना बनो, पैसे काउंट करते हो दिन भर किसी और के। हाँ तुम्हें क्या मिलता है? 25-30 हजार मिलता होगा और क्या, और रिस्क भी रहती है जॉब में। तो पैसे काउंट करने वाला जॉब कभी नहीं करने का, ठीक है? क्योंकि किसी और का पैसा काउंट करने में जो दर्द होता है ना, बहुत अलग ही होता है। मतलब क्या बताऊं अभी, क्या कैसे बता सकता हूं, नहीं बता पा रहा हूं, वर्ड्स नहीं मेरे पास उस दर्द के लिए, ठीक है? आगे चलते हैं। टोटल इनकम के ऊपर मेरा चार्ज है, अर्नड बाय अ पर्सन, टोटल इनकम अर्नड बाय अ पर्सन, तो कौन कमाना चाहिए वो पैसा? सर पर्सन कौन होता है? तो क्या हम पर्सन है? हाँ, 7 टाइप के होते, बात की थी हमने कभी, तो एक इंडिविजुअल होता है, HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करके होता है, AOP BY करके होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल करके होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है, कंपनी होता है, LLP होता है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होता है, लोकल अथॉरिटी होता है, और लास्ट वाला AJP होता है, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। टेंशन ना लो, ऐसा कुछ होता है बात कर लेंगे, पढ़ाना तो सब कुछ है, लेकिन ऐसा जनरली पर्सन, पर्सन में खाली इंडिविजुअल नहीं आते, एक कंपनी भी क्या होती है, पैसे कमा रही है ना, तो वो भी पर्सन है, ठीक है? तो पर्सन की डेफिनेशन, और पर्सन का डेफिनेशन का टेंशन ही नहीं लेना है, क्योंकि मैंने इसका डेफिनेशन बोला इंक्लूड्स का है, इंक्लूड्स मींस नहीं है, इंक्लूड्स के डेफिनेशन में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जो लिखी हो तो है ही, और जो नहीं लिखी वो भी इंक्लूड होती है, क्योंकि वो इंक्लूसिव है। लेकिन अगर मैं मींस लिखता ना, तो जो लिस्ट दी है वही पर्सन है, उसके अलावा कोई पर्सन नहीं है। इतना समझ में आ रहा है? चलो धीरे धीरे जाते, धीरे धीरे जाते, थोड़ा 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 पढ़ते। टोटल इनकम अर्न बाय पर्सन, कौन से ईयर में सर? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्या है सर, उसको यहां पे लिखना पड़ा, मुझे यही सेक्शन यहां लिखना था, लेकिन मेरा पूरा का पूरा इनकम टैक्स का चार्ज जो है ना, वो करंट ईयर पे नहीं है। करंट ईयर में इनकम टैक्स खड़ा है, SSC खड़ा है, लेकिन चार्ज किसके ऊपर है? प्रीवियस ईयर है। एंड व्हाट डू मीन बाय प्रीवियस ईयर, वो मुझे सेक्शन 3 में डिफाइन करना पड़ा। ओके, तो सेक्शन 3 क्या बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रीवियस ईयर? डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में लिखी गई है, लेकिन यहां पे प्रीवियस ईयर का एग्जैक्ट मीनिंग, उसके इंक्लूजन, उसके एक्सेप्शन सब लिखे हुए हैं। समझ में आ रहा है? तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रीवियस ईयर की बात की गई है वो सेक्शन 3 में की गई है, डेफिनेशन तो यहां पे है, ठीक है? डेफिनेशन तो मैंने आपको बता भी दी, प्रीवियस ईयर ईयर इज अ ईयर व्हिच एंड्स ऑन 31st मार्च एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो हर फाइनेंशियल ईयर का जो 31st मार्च पे जो ईयर खत्म होता है वो क्या है? और जैसे हर सास कभी तो बहू थी, वैसे हर प्रीवियस ईयर कभी तो असेसमेंट ईयर भी था। तो अभी जो ईयर चल रहा है 16-17, वो क्या है? असेसमेंट ईयर है।
सॉरी 17-18 वो क्या है, असेसमेंट ईयर है. नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा, और नया असेसमेंट ईयर आ जाएगा. तो कन्फ्यूजन लाइफ में ना हो इसलिए उन्होंने डेफिनेशन दे दिया है कि कब हम उसको असेसमेंट ईयर बोलेंगे, कब उसको प्रीवियस. अपना तो क्लियर है ना, अपना तो क्लियर है. अपना असेसमेंट ईयर क्या है, 18-19. हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 17-18 जो चालू है. हमारा हमारा मतलब जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं अभी जो इंडस्ट्री में चालू है वो कौन सा है, 17-18 असेसमेंट ईयर विच इज एप्लीकेबल टू प्रीवियस ईयर 16-17 जो अभी नवंबर में एग्जाम देंगे या जो दिसंबर में एग्जाम देंगे. दिसंबर में कोई दे रहा है, हाँ तो आपका जो प्रीवियस ईयर है अलग है, हाँ हमारा अलग है. आपके लिए चीज जो इनका बुक दे देना इनको, ओल्ड वाला बुक, आपका बुक अवेलेबल है. तुम लोगों का बुक आता दिसंबर में है, बुक आएगा दिसंबर में जो हम अभी पढ़ रहे हैं. बुक आया नहीं है, बुक क्यों नहीं आया, क्योंकि वो अभी तक एप्लीकेबल हुआ नहीं है. हम पहले पढ़ते हैं ना, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम अप्लाई होने के पहले पढ़ते हैं. क्योंकि तुम ही लोगों जो ये पढ़ते हो, बाकी कोई सन की इस दुनिया में ये नहीं पढ़ रहा है. साइंस वाले बच्चे थोड़ा क्या पढ़ रहे हैं, आर्ट्स वाले थोड़ा क्या पढ़ रहे हैं, तो कौन पढ़ रहा है, कॉमर्स के अभी प्रोफेशनल वाले. क्योंकि बीकॉम वाले तो खाली इसको कैसे अप्लाई करना वो पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी 2 साल के बाद सिलेबस चेंज करता है. हमारा जो आने वाला है वो पहले सिलेबस में आ जाता है, क्लियर है, क्योंकि हम ही लोग हैं ये संभालने वाले, और कोई है ही नहीं. अभी सीए फाइनल का रिजल्ट लगा 20 तक का, ऑन एन एवरेज सीए फाइनल का 20 या 22 तक का लगा हुआ है. हाँ ऑन एन एवरेज रिजल्ट होता है 5-7%. इतना हाई क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री में सीए की शॉर्टेज है. जीएसटी आया इंप्लीमेंट के इनका पप्पा करेगा. हाँ तो अरे ब्लॉकेज बना के जो रखा था निकाल दिया 20% लगा के. 20% मतलब कितने सीए बन गए मार्केट में, आज डिमांड की सीएस की. जीएसटी का क्वेरी पूछना है किसे पूछोगे आप लोग, पूछने के लिए तो किसको भी पूछ सकते हो, लेकिन रिलायबली किसको पूछना है, मतलब जिसने बोल दिया हो फाइनल है. मतलब ऐसा कौन सा बंदा होता है सीए, सोया सीए मतलब तुम्हारे लिए. जीएसटी तो तुम्हारे, तुम्हारा पता है तुम्हारा इंस्टीट्यूट कितना गिरा हुआ है. नहीं बताता था मुझे अभी पता चला इनका इंस्टीट्यूट इतना गिरा हुआ है. हमारा भी गिरा हुआ है, लेकिन हमारा थोड़ा सा गिरा हुआ है सिलेबस में ना, इनके नवंबर के सिलेबस में. अपना नवंबर का जो सिलेबस है, इनका दिसंबर का जो है, एग्जिस्टिंग लॉस थे. एग्जिस्टिंग लॉ मतलब एक्साइज कस्टम वैट सीएसटी जो अभी डिलीट हुआ, कौन से डेट पे डिलीट हुआ, 31 जुलाई पे जो डिलीट हुआ सारे लॉ, मतलब अभी तो थे. और इंस्टीट्यूट के रूल ऐसे है जो 6 महीने पहले लॉ बनता है ना वो एग्जाम में आ सकता है. मतलब जो लास्ट 6 महीने में चेंजेस होते हैं ना एग्जाम के डेट के लास्ट 6 महीने में, वो एग्जाम में आ नहीं सकते. इतना रियल टाइम बेसिस पे एग्जाम में नहीं पूछ सकते हम, क्योंकि सिलेबस बुक बनाने के लिए भी टाइम लगता है. तो ऑब्वियस सी बात थी जीएसटी आपके अटेम्प्ट में नहीं आने वाला था. दोनों अटेम्प्ट में, कौन सा, आपका नवंबर और आपका दिसंबर, अटेम्प्ट में नहीं आने वाला था. क्योंकि वो अभी आया जुलाई में आया ना, तो अप्लीकेबल होगा जून और मई के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए. हमारी इंस्टीट्यूट थोड़ी सी गिर गई, बोला क्योंकि अभी तो लॉ तो चेंज हो गया, अभी तुमने पढ़ के रखे एग्जिस्टिंग लॉ, तो उसके लिए हम 90 मार्क का पूछते, 10 मार्क का जीएसटी पूछेंगे. ठीक था, इनकी इंस्टीट्यूट पूरी गिर गई है. लॉ डिलीट हो गए, जीएसटी पढ़ना है आपको. तो उन्होंने जीएसटी अप्लाई कर दिया इनके सिलेबस में. तो अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, जीएसटी है. जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे उन्होंने सारे इनडायरेक्ट टैक्स रट के रखे हैं जो डिलीट हो चुके. तो जो पूरा सब्जेक्ट पढ़ के रखा है, रट के रखा है, नोट्स बना के रखे, चार्ट बना के रखे, 2 बार रिवीजन करके रखा है, गया. सब गया. और एक्सपेक्टेशन ये था कि इस एग्जाम में तो नहीं लगाएंगे ना, एक अटेम्प्ट लगेगी तो देख लेंगे सर. हाँ अटेम्प्ट लग, शायद निकल भी जाऊं इस अटेम्प्ट में. अब नहीं यार, मतलब क्या कुछ नहीं कर सकते, अब इंस्टीट्यूट है. सर सही किया कि गलत किया, गलत नहीं किया, सही किया ना. जो चीज डिलीट हो गई है उसको पढ़ के पढ़ा के क्या मतलब है. थोड़ा एग्जाम के एकदम कम डेज के पहले बता दिया, वो गलती कर ली. लेकिन वो लोग भी क्या कहते, गवर्नमेंट का लॉ ही बनने में टाइम लग गया. अप्रैल में आता तो टेंशन ही नहीं था, आया जुलाई में. नवंबर में एग्जाम है, 3 महीने बाद ही एग्जाम है. सर लॉ भी आया, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग समझ रहे कि है क्या, हम तो बच्चे हैं. अरे तुम तो बच्चे हो ना, मतलब हम लोग बैठ के सब देखते कि जीएसटी अच्छा अच्छा ऐसा जीएसटी में होता है, अच्छा वैसा होता है. हम आज रिसर्च, हमारा इतने महीने का रिसर्च है, फिर भी हमको पूरा नहीं समझ में आता. नया है, किसी को नहीं पता. ठीक है, अब फिर भी एग्जाम में आने वाले, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर तो नहीं सकते. यही यही संसार का नियम है, पढ़ के रखो. चेंज कर देंगे हम. तुम्हें आ रहा है, अच्छे से आ रहा है,
ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चेंज कर देंगे, ठीक है, यही सिस्टम है, ऐसे चलना भी चाहिए, तभी तो हमारा डिमांड है भाई। टैक्स के प्रोफेसर को लोग ढूंढ रहे चिराग लेके, कहाँ है टैक्स का प्रोफेसर, और मैं तो छोटा हूं ना, तो दिखने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन विच ईयर बेटा, प्रीवियस ईयर, शाल बी असेस, शाल बी असेस। अब ये असेस वर्ड जो है ना, असेस, ठीक है, जो असेस वर्ड है ना, उससे बाकी सारा वो सारे वर्ड बने। असेस इज अ बेस वर्ड, असेसी मेरा क्या होता है, असेसी का क्या होता है, असेसमेंट, असेस मतलब कंप्यूट करना। टैक्स किसका कंप्यूट करते हो तुम लोग, असेसी का, कौन से ईयर में, असेसिंग ऑफ, असेसिंग ईयर में। वो असेसमेंट कौन चेक करेगा, असेसिंग ऑफिसर, समझ रहा है। असेस इज द कोर वर्ड, असेस, असेसी, असेसमेंट, असेसमेंट ईयर, असेसिंग ऑफिसर, ये सारे वर्ड इस वर्ड से बने हुए। असेस मतलब क्या, टैक्स कंप्यूट करना, इतना समझो, टैक्स का कंप्यूटेशन मतलब असेस करना, कैलसी लेके हम जो कंप्यूट करते हैं उसको असेस करना बोलते हैं। कौन से ईयर का इनकम असेस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का। कौन से ईयर में असेस करोगे, करंट ईयर, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। इतना समझ में आ रहा है, तो दो साल आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर में कमाओ, करंट ईयर में असेस करो, ठीक है, क्लियर है। तो यहां तक अभी तक याद रखोगे, टोटल इनकम अर्न बाय अ पर्सन इन अ प्रीवियस ईयर शाल बी असेस इन असेसमेंट ईयर। सर टैक्स रेट कौन बताएगा, ठीक है, टैक्स रेट बताओ, गेस कर पाओगे कौन से लॉ में टैक्स रेट होंगे, इनकम टैक्स के टैक्स रेट कहां, कौन से लॉ में होने चाहिए, इनकम टैक्स के टैक्स रेट कहां होगी, इनकम टैक्स में होंगे ना, जबकि नहीं है। ऐसा ही होता है, इंटर में कोई पूछेगा इनकम टैक्स के रेट्स कहां है, ऑब्वियस आंसर क्या होगा, अरे साले इनकम टैक्स नहीं होगा ना, और का होगा। है नहीं, वो होते एनुअल फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। तो जो टैक्स रेट्स होंगे, टैक्स रेट्स दिए होंगे आपके एनुअल फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट क्या होता है, बजट, बजट का नॉर्मल, बजट के पहले नाम क्या होता है, फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल कौन प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में, फाइनेंस मिनिस्टर। उसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट होता है, लोकसभा में डिबेट होगा, पास होगा राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में डिबेट होगा, पास होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट मुखर्जी अंकल जिस दिन साइन करेंगे उस दिन वो बन जाएगा फाइनेंस बिल से फाइनेंस एक्ट। जनरल पीपल उसको बजट बोलते हैं, जो तुम्हारे लिए बजट है वो हमारे लिए एक्ट है, समझ में आ रहा है। जो ऑर्डिनरी पीपल जिसको बजट बोलते हैं, बजट 17 आ गया, बजट 17 आ गया, फाइनेंस एक्ट 2017 एप्लीकेबल हो चुका है। तो हमारे सिलेबस के लिए कौन सा एप्लीकेबल है फाइनेंस एक्ट, एफए 2017। अब भी जो इंडस्ट्री में आपके लिए जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 2016 लास्ट ईयर वाला। हमारी जो इंडस्ट्री में जो अभी चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 2017, जो करंट ईयर में पास हुआ है, 2017 में पास हुआ है फेब में, ठीक है, और एप्लीकेबल हो चुका है अप्रैल से, क्लियर है। एफए 17 इसमें दिए होते टैक्स के रेट फॉर नॉर्मल इनकम, इसमें दिए होते टैक्स के रेट फॉर, तो सर आपको पता चलना करना पड़ेगा नॉर्मल इनकम क्या होता है, नॉर्मल मतलब नॉर्मल होगा, तो जब मैंने नॉर्मल लिखा तो उसका दूसरा वर्जन क्या होता है, एबनॉर्मल, स्पेशल इनकम होगा, ठीक है। अगर नॉर्मल इनकम है तो आप नॉर्मल इनकम है तो नॉर्मल टैक्स के रेट, नॉर्मल इनकम है तो, लेकिन अगर आपका इनकम स्पेशल होंगे, ठीक है, अगर आपकी इनकम स्पेशल इनकम होंगे, स्पेशल इनकम मतलब थोड़े हटके होंगे, ऑर्डिनरी नहीं होंगे, अगर आपका इनकम स्पेशल होगा तो आपको इनकम टैक्स एक्ट में स्पेशल रेट दिए हैं। स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस दिए हुए, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। तो दो टाइप की इनकम होते हैं इनकम टैक्स में, नॉर्मल इनकम, जैसे सैलरी कमाना नॉर्मल है, बहुत सारे लोग कमाते हैं, लेकिन लॉटरी लगना स्पेशल है। स्पेशल का स्पेशल रेट है डायरेक्ट 30%, 30% है। लॉटरी का रेट कितना है टैक्स में, 30%। अभी नॉर्मल है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी होगी लॉटरी निकालना, स्पेशल एक्टिविटी होगी, स्पेशल एक्टिविटी का स्पेशल इनकम टैक्स। तो टैक्स के रेट हम बोरो कहां से करते हैं इनकम टैक्स में, तो दो लॉ में, एक्चुअल आंसर क्या पता है, दो। एक कौन सा, नॉर्मल इनकम होगा सर तो, ऑर्डिनरी इनकम होगा तो एनुअल फाइनेंस एक्ट। और कौन सा फाइनेंस एक्ट आज की तारीख में एप्लीकेबल है आपको, फाइनेंस एक्ट 2017,
एम आई क्लियर? तो उस एक्ट में जाके मतलब बजट 17 में जाके हमें देखने होते अच्छा करंट ईयर के टैक्स क्रेडिट ऐसे है, समझा आपको? और अगर स्पेशल इनकम है मेरा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम कमाया मैंने, एक एग्जांपल होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, अब पूरा इंडिया का पॉपुलेशन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा है क्या? अच्छा अमीर लोग कर रहे हैं कि गरीब लोग कर रहे हैं? तो उनके लिए अलग से टैक्स रेट बनाया हुआ है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है, तो जमीन बेचना, जमीन खरीदना, ज्वेलरी बेचना, ज्वेलरी खरीदना, नॉर्मल है हमारे लिए, रोज करते हो ये? पापा निकालते शाम को चप्पल पहन के, बेटा मैं आया दो चार जमीन खरीद के आता हूँ ऐसा होता है नहीं, वंस इन अ 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, वंस इन अ लाइफ टाइम लोग जमीन खरीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है? तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन होते हैं विच इज नॉट ऑर्डिनरी ट्रांजेक्शन, उनके लिए लॉ में सारे नहीं सिलेक्ट किए गए कुछ ट्रांजेक्शन, उनका सिलेक्टेड रेट लिखा हुआ है और वो रेट आउटराइटली लगता है, डायरेक्ट लग जाता है, समझ में आ रहा है? बाकी कुछ नहीं लिखा जाता डायरेक्टली, 20% लिखा तो 20%, जैसे लॉटरी का मैंने बता दिया आपको, लॉटरी कमाओगे तो डायरेक्टली कितना लगने वाला है? 30%, तो 10,000 की लॉटरी कमाओगे तो 3,000 जाएगा, ठीक है, 1,00,000 की कमाओगे तो 30,000 जाएगा, कोई स्लैब कोई ऐसा कुछ है नहीं, समझ रहा है? लेकिन अगर आप सैलरी कमाओगे और आपका पगार अगर महीने का 10,000 है तो साल का 1,20,000 होता है, और 1,20,000 के ऊपर टैक्स नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो नॉर्मल इनकम है सर, और नॉर्मल इनकम के ऊपर तभी टैक्स लगता है जब मेरा लिमिट क्रॉस होता है 2.5 लाख। अच्छा ये लिखा कहाँ पे है सर? इनकम टैक्स में नहीं लिखा हुआ है, मेरे फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है कि 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। सर 2.5 लाख क्रॉस हुआ तो टैक्स लगेगा, 5 लाख तक 5%, 5 लाख तक 5%। सर वो तो 10 था ना, था आपके लिए 10 है, 10 था 16 तक, फाइनेंस एक्ट 2016 तक, 2.5 के बाद 10 था, गवर्नमेंट ने गरीब लोगों के लिए जो अभी अभी कमाना चालू किया तुम्हारे जैसे यंगस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए रेट कितना कर दिया है? 5%, ठीक है, तो कम कर दिया रेट, समझ में आ रहा है? तो 2.5 से लेके 5 तक रेट कितना है अभी? 5%। 5 लाख से ऊपर अगर कमाओगे तो 20%, 10 है नहीं डायरेक्टली, 20%। सर अगर 10 लाख से ऊपर कमाया तो 30%, समझ में आ रहा है? ऐसा है सर, 1 करोड़ के ऊपर कमाया तो सरचार्ज लग जाता है 12% का, ठीक है, 50 लाख के ऊपर भी सरचार्ज है आप लोगों को 10%, लेकिन 15% का सरचार्ज है, सॉरी आप लोगों को 1 करोड़ के ऊपर कमाओगे तो 15% सरचार्ज है, 50 लाख के ऊपर कमाओगे तो 10% का सरचार्ज है। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है, कैसे कम्पीट करते हैं, क्या करते हैं, सब देखेंगे। आपको खाली इतना समझो, ये जो 2.5 लाख की बात की जाती है ना, वो नॉर्मल इनकम के ऊपर की जाती है। 1 लाख की लॉटरी लगी सर, और कोई इनकम नहीं है मेरे लाइफ में, टैक्स लगेगा? हाँ लगेगा, लेकिन सर वो 2.5 के नीचे ना? नहीं नहीं बेटा, वो नॉर्मल के लिए है। तूने कौन सा इनकम कमा लिया? स्पेशल। और स्पेशल कमाया तो डायरेक्टली रेट कितना है? और वो कौन से एक्ट में लिखा है? इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही लिखा हुआ है। अगर ऑर्डिनरी इनकम कमाता है तो ही तेरे लिए नॉर्मल एक्ट लगता है, फाइनेंस एक्ट वाला, क्लियर है? तो एकदम सिस्टम एकदम अपना सिंपल बना के रखो। टोटल इनकम के ऊपर चार्ज है, कौन से साल का टोटल इनकम सर? असेसमेंट ईयर, क्योंकि 2 साल इन्वॉल्व होते हैं ना, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। कौन से साल का इनकम देखोगे? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर का। पहले तो आप कौन होने चाहिए? पर्सन, तभी ये सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। असेस करेंगे हम लोग, क्या मिलके करने वाले, क्या सीखने वाले, कैसे असेस करते हैं, असेस कौन से ईयर में करते हैं? असेसमेंट ईयर में। किसका असेसमेंट करते हैं? असेसी का। असेसमेंट चेक कौन करेगा? असेसिंग ऑफिसर। ऐसे सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक? सर असेस करने के लिए इनकम होगा, इनकम मल्टीप्लाई टैक्स रेट करेंगे, फॉर्मूला ऐसा ही होगा ना, टैक्स इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट। व्हाट इज द टैक्स? अगर मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखना चाहो मैं, टैक्स इज इक्वल टू इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स। इनकम कौन सा? टोटल। रेट कौन सा? सर नॉर्मल होगा तो स्लैब में जाना पड़ेगा, और स्पेशल होगा तो डायरेक्ट लगेगा। तो नॉर्मल होगा तो फाइनेंस एक्ट से रेट निकाल लेंगे, और अगर स्पेशल होगा तो इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है। किसी का 15 है, कहीं पे 15 है, कहीं पे 10 है, कहीं पे 5 है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेट लगते हैं। एक जो वीएड होता है मैंने आपको बता दिया, लॉटरी वगैरह जो सट्टा वगैरह लगाते हैं कैजुअल, अभी आपने वो टीम 11 का आजकल मतलब ड्रीम 11 है, ड्रीम 11 ऐसा क्या चलता है, वो ड्रीम 11 ना, वो खेलते होता है, उसमें भी पैसे लगते हैं कुछ एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। अगर आपने 5,000 वगैरह के ऊपर कमाओगे ना तो टैक्स डायरेक्टली आपको कट जाएगा, 30% कट के आपको नेट अमाउंट मिलेगी। तो 30% वो कट क्यों हो रही है? क्योंकि वो स्पेशल इनकम है, आपका स्लैब आपका बाकी इनकम देख के नहीं काटते लोग, डायरेक्ट 30% कट होगा, क्योंकि वो स्पेकुलेशन है, समझ रहे हो? सट्टा लगाने वाली बात होती है और वो अच्छी बात नहीं है, इसलिए। और फिर भी आपने कमाया तो कॉन्ग्रेचुलेशन
जाने वाले टाइम पे आपने कमा लिया मतलब, और आपने कमाया तो खुशी तो हमें भी हो रही है, लेकिन खुशी थोड़ी बांटो तो बढ़े। हाँ पूरी खुशी आप लेकर नहीं जा सकते, 70% आपका है ठीक है, 30% तो हमारा रख के जाओ ठीक है। तो ये बात होती है, यहाँ तक क्लियर है? प्रीवियस ईयर हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद मैंने आपको बोला था मैं 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, आप 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट के ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे।